आज की बातचीत शुरू करते हैं। ये व्याख्यान थोड़ा पहले होना चाहिए था क्योंकि बजट आए डेढ़ महीना हो गया है, लेकिन हम लोग बहुत बिजी थे और मैं खुद भी पूना में कई दिन नहीं था, उसके चलते ये थोड़ा लेट हो गया इस बार। इस बार का जो बजट है वो पहले से जो बजट, पिछले चार बजट जो पेश हुए हैं उसी की दिशा में ये बजट भी है, लेकिन पहले वाले बजट्स और इस बजट में जो महत्वपूर्ण फर्क है वो ये कि इस बार वित्त मंत्री ने झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मतलब शायद ही आजादी के बाद इतने सालों में संसद के पटल पर किसी ने इतने सरेआम झूठ बोले होंगे। लगन मतलब मेरा मतलब वो क्या हुआ? ये कह रहे कि वो ये भी चालू करना है। हेलो, ठीक है, मतलब मेरे को इतना सरेआम झूठ बोलेंगे विश्वास ही नहीं हो रहा था। अनाउंस करते हैं 10,000 करोड़ इसके लिए, बजट में आंकड़े ढूंढते रहो कि कहां गए, है ही नहीं, कहीं 10 करोड़ दिए हैं, एक मुद्दे पर तो 0.01 करोड़ भी दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं बजट की चर्चा, और आपको भी समझ में आएगा कि किस तरह के लोग हैं जो देश पे शासन कर रहे हैं। सबसे पहले उस मुद्दे की चर्चा करें जिस पे हम हर साल चर्चा करते हैं, वो है देश की बाहरी स्थिति। यानी अर्थव्यवस्था के दो पहलू होते हैं, एक होता है उसकी आंतरिक स्थिति, यानी देश के भीतर जो आर्थिक व्यवहार चल रहा है उस पर बातचीत होती है, और देश के बजट का या देश की अर्थव्यवस्था का एक दूसरा हिस्सा है देश की अर्थव्यवस्था की विदेशी स्थिति, यानी जो हमारा दुनिया से लेन देन है उसकी क्या परिस्थिति है। पिछले 3 दशकों से, लगभग 3 दशकों से, जब से इस देश ने वैश्वीकरण की नीतियां शुरू की हैं, कायदन विदेशी अर्थव्यवस्था यानी विदेशों से जो हमारा लेन देन है, एक्सटर्नल अकाउंट्स जिसको बोलते हैं, कायदन उस पर विशेष चर्चा होनी चाहिए, कम से कम उसके बारे में थोड़ी तो जिक्र होना चाहिए। हर बजट में थोड़ा बहुत आता था, यानी बड़ा चढ़ाकर ही आता था, थोड़ा बहुत आता था। ये पहला बजट है मेरी निगाह में जिसमें उन्होंने बाहर के व्यवहार पर एक शब्द नहीं बोला है, और उसका कारण संभवतः यह है कि देश के बाहरी व्यापार की जो स्थिति है वो बिगड़ती चली जा रही है। इस बार उनको जैसे अक्सर कुछ आंकड़े में फेरफार करके कुछ प्रशंसा कर दिया करते थे कि ये सुधर गया, इस बार दिक्कत यह है कि सारे आंकड़े बताते हैं कि स्थिति बिगड़ रही है, तो चर्चा करना मुश्किल है। इसलिए बेस्ट क्या है, इग्नोर कर दो, बोलो ही मत। देश का विदेशी कर्जा लगभग $500 बिलियन पहुंच चुका है। भारत दुनिया के सबसे ज्यादा कर्जदार देशों में से है, लेकिन मीडिया, जैसे कल ही अखबार में करंट अकाउंट डेफिसिट वगैरह के बारे में आंकड़े आए,
लेकिन ये आंकड़े देते हुए कोई भी अखबार देश के विदेशी कर्जे के बारे में एक शब्द नहीं बोलता। अपने वो अर्णब गोस्वामी इतना सब फालतू मुद्दों पर धाएं धू करते रहते हैं, इस पर भी एक टॉक ऑर्गेनाइज कर लिए होते कि क्या किया जाए, लेकिन मौन है, कोई जिक्र ही नहीं करता कि देश का विदेशी कर्जे की क्या स्थिति है। विदेशी कर्जा क्यों महत्वपूर्ण है? यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि विदेशी कर्जा देश की टैक्स आमदनी से नहीं चुकाया जा सकता। विदेशी कर्जा चुकाने के लिए, क्योंकि रुपए की कोई अंतर्राष्ट्रीय कीमत नहीं है, चूंकि ये बजट का मुख्य विषय नहीं है तो मैं इस पर ज्यादा समय नहीं देने वाला, इसीलिए इसको फटाफट समेट रहा हूं, खाली मुख्य बिंदु आपके सामने रखकर। विदेशी कर्जा चूंकि डॉलर्स में है और रुपए की कोई अंतर्राष्ट्रीय कीमत नहीं है, जब हम बोलते हैं ना 65 रुपीज टू डॉलर, तो वो नोशनल है, असल में आप 65 रुपए देकर एक डॉलर नहीं ले सकते कोई, क्योंकि रुपए को दुनिया में कोई कीमत नहीं है। तो ऐसे में जब आप विदेशी कर्जा बढ़ा लेते हो तो कर्जा चुकाने का एक ही तरीका है कि आप डॉलर की कमाई करो, और डॉलर की कमाई कैसे होती है? एक्सपोर्ट से, टूरिज्म से, रेमिटेंसेस से। रेमिटेंसेस का मतलब है जो भारतीय विदेशों में गए उन्होंने जो अपने परिवारों को पैसे भेजे, उसका मतलब है रेमिटेंसेस। पर क्या बोलते हैं मराठी में, परवर्ती ना, ऐसे कुछ शब्द है। तो ये तीन तरीके हैं, जैसे कोकण से आम एक्सपोर्ट किया, जो एक्सपोर्टर होगा वो जब आम एक्सपोर्ट करेगा तो जो उसको आमदनी होगी डॉलर्स में, जैसे ही वो अपने खाते में डॉलर जमा करेगा, डॉलर भारत सरकार को मिलेगा, उसको रुपए मिलेगा। तो इस तरह से जो भी एक्सपोर्ट होता है, जो विदेशी पर्यटक भारत में आते हैं, वो जो डॉलर लेकर आते हैं, अंततः ये भारत सरकार को मिलता है और उससे देश की डॉलर की आमदनी होती है। दिक्कत यह है कि कर्जा इतना ज्यादा है कि, और डॉलर बाहर कैसे जाता है देश से? एक्सपोर्ट्स के जरिए जाता है, सॉरी इंपोर्ट्स के जरिए जाता है। आप कोई विदेशी सामान खरीदते हो, आप भले ही उसका रुपए में पेमेंट करो, जो इंपोर्टर है वो भारत सरकार के उसके बदले डॉलर लेगा और वो डॉलर लेकर जाएगा। तो भारत सरकार की जो आमदनी है डॉलर की वो कम है और जो डॉलर का आउटफ्लो है वो ज्यादा है। उसका परिणाम ये है कि जो डॉलर का घाटा है उसको बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको चुकाने के अब दो ही तरीके बचते हैं, या तो और कर्जा लो, और दूसरा तरीका है विदेशी कंपनियों को भारत बुलाओ, क्योंकि विदेशी कंपनी जब भारत में आती है तो वो डॉलर लेकर आती है। तो दोनों ही तरीके अपनाए जा रहे हैं। पहले तरीके के चलते कर्जा बढ़ता चले जा रहे हैं जो आपने देखा, और दूसरे तरीके के चलते भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री की लीडरशिप में दुनिया भर में भीख मांगते घूम रहे हैं विदेशी कंपनियों को कि भैया भारत आओ। और मोदी ने तो यहां तक घोषणा कर दी है कि भारत दुनिया की सबसे खुली अर्थव्यवस्था हो गया, यानी डिफेंस भी खोल दिया है। शायद ही कोई देश हो जो अपनी डिफेंस इंडस्ट्री विदेशी कंपनियों को हैंडओवर करे, यानी अब आप लड़ाई भी उनकी अनुमति से करोगे ना। तो यह हालत देश की पहुंच चुकी है। मेक इन इंडिया की भी असलियत वही है कि विदेशी कंपनियों को बुलाया जा रहा है, श्रम कानून खत्म किए जा रहे हैं कि भाई सस्ते से सस्ते में कामगार उपलब्ध होंगे, 12-12 घंटे काम करा सकते हो, मिनिमम वेज देने की जरूरत नहीं है, साप्ताहिक छुट्टी देने की जरूरत नहीं है, भारत में आओ और कामगारों से काम करो और नफा कमाओ, लेकिन भारत में आओ। क्योंकि जब वो भारत में आएंगे तो डॉलर लेकर आएंगे। तो ये देश की विदेशी मुद्रा की परिस्थिति है। मैं इसकी ज्यादा आंकड़े रखे थे फिर हटा दिए, क्योंकि नहीं तो भाषण बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आपका इंटरेस्ट है तो हमारी पुस्तिकाओं में देख लीजिएगा। और बजट का ये पूरा भाषण जनता का एक स्पेशल इशू निकलने वाला है, जनता जो मैगजीन जी जी पारिक छापते हैं, मैं भी उसका एक संपादक हूँ, तो उसमें ये सारा भाषण आपको लेख के रूप में भी मिल जाएगा। तो ये विषय समाप्त करें, और जिस पे आमतौर पे अखबारों में चर्चा होती है आंतरिक अर्थव्यवस्था, उसकी बात करें। जैसे मैंने पहले कहा, अभी तक जो मैंने चर्चा की इस पर बजट में कोई एक लाइन नहीं बोलता। अब वित्त मंत्री क्या कहते हैं,
भाषण के शुरू में ही पूरा यदि आप देखें तो काफी बड़ा हिस्सा इस पर था कि देश कैसे बहुत अच्छा चल रहा है, जीडीपी कितना बढ़ रहा है। बल्कि वो कहते हैं स्पीकर को एड्रेस करते हुए कि मैडम स्पीकर, भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाएं बनने जा रहा है, 8% के आसपास ग्रोथ रेट आने वाले दिनों में हो जाएगा। सवाल ये उठता है कि यदि देश इतना ही अच्छा चल रहा है और दुनिया की इतनी अच्छी अर्थव्यवस्था हो गया है, तो भारत में इन सब मामलों में नंबर एक क्यों है? यानी इस देश में सबसे ज्यादा निरक्षर लोग हैं, इस देश में सबसे ज्यादा भूख से मौतें होती हैं, इस देश में बीमारी से मरने वाले सबसे ज्यादा लोग इस देश में हैं, बेरोजगारी की हालत इतनी भयंकर है, हमारा अंदाज है कि 50% से ज्यादा बेरोजगारी है। तो यदि अर्थव्यवस्था का अंत में मतलब क्या होता है ना, आपको शिक्षा मिले, रोजगार मिले, स्वास्थ्य मिले वगैरह वगैरह, यदि कुछ भी नहीं मिल रहा तो फिर वो जीडीपी इतना तेजी से कैसे बढ़ रहा है? यानी कुछ गड़बड़ होनी चाहिए ना। वो गड़बड़ क्या है? वो गड़बड़ यहां है कि जीडीपी की परिभाषा में ही खोट है। आज जीडीपी की परिभाषा का लोगों के यानी लोगों की जीवन की परिस्थिति सुधारने से कोई संबंध नहीं रह गया है। आज जीडीपी का आम आदमी की आमदनी बढ़ रही है कि नहीं, उससे कोई संबंध नहीं रह गया है। बल्कि जीडीपी का अर्थ सिर्फ अमीरों की नफाखोरी कैसे बढ़ रही है उससे उसका मतलब रह गया है। आपको आश्चर्य होगा, सभी जीडीपी की बात करते हैं, रोज जीडीपी ग्रोथ रेट पर लेख आते हैं, तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि जीडीपी का जनता से कोई संबंध नहीं है? लेकिन सच्चाई यही है। हाँ, हम जितनी भी बातें आपके सामने रख रहे हैं, आपको इस पर भरोसा करने में दिक्कत इसलिए आएगी क्योंकि पेपर में जो इकोनॉमिक्स आती है उसमें से अधिकांश का आपकी जिंदगी से कोई संबंध नहीं होता। वो इतनी मडल्ड होती है और उसमें इतना झूठ होता है, वो इसलिए होता है ताकि आप अपनी जिंदगी की मुसीबतें के सही कारण समझ ही न सके। हाँ, यही कारण है, यदि वो सही इकोनॉमिक्स विद्यार्थियों को पढ़ा दें तो सारे कार्यकर्ता बनने लगेंगे, इसलिए नहीं पढ़ाते। तो खैर, अब देखिए एक उदाहरण आपको दें, जीडीपी का मतलब क्या है? जीडीपी का मतलब है वो सामान जोड़ा जाता है उत्पादन में जो बिके, यानी जो आपने अपने कंजम्पशन के लिए उत्पादन किया वो जीडीपी में नहीं जोड़ता। तो आपको मालूम है कि भारत के 70% किसान छोटे किसान हैं, 1 हेक्टेयर से कम, और उन किसानों में से उनका जो उत्पादन होता है उसका एक बड़ा हिस्सा वो कंजम्पशन के लिए ग्रो करते हैं, यानी खुद खा लेते हैं, उसको मार्केट में बेचते नहीं। तो यदि छोटा किसान अपना उत्पादन मार्केट में नहीं बेचेगा तो जीडीपी नहीं बढ़ता, यानी उसने चाहे जितनी भी मेहनत की हो, दिन रात मेहनत की हो, जीडीपी का ग्रोथ रेट में उसका कोई योगदान नहीं होगा। लेकिन वही लिखा है नो ग्रोथ। लेकिन कल एक कंपनी आती है और वो उन सारे लोगों को बुलडोज कर देती है, वो जेसीबी लगाकर, और उसके बाद वहां पर एक माइनिंग प्रोजेक्ट लगता है या कोई कारखाना लगता है और उससे उत्पादन बढ़ता है तो जीडीपी बढ़ जाएगा। जो लोग बेरोजगार हुए, जो मजबूर हो गए शहर में बस्तियों में जाकर रहने के लिए, जिनकी जिंदगी तबाह हो गई, वो माइनस में नहीं जाता। जीडीपी में कोई माइनस करने का प्रावधान नहीं है, तो प्लस ही प्लस होता है उसमें। लोगों की जिंदगी जो तबाह हो गई वो माइनस नहीं होता। उसी तरह से मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, उसने ऑटोमेशन किया, नई मशीनरी लाई, उत्पादन बढ़ाया और आधे लोगों को निकाल दिया, तो जो जिन कामगारों की जिंदगी खत्म हो गई उसके चलते जीडीपी माइनस नहीं होता, लेकिन कंपनी का नफा कितना बढ़ गया उससे जीडीपी बढ़ जाता है। यानी आज
पिछले खास तौर पे 25-30 सालों से जो नीतियां इस देश में लागू हैं, हमारा तो ये कहना है कि जीडीपी जनता की जिंदगी की परिस्थितियों के आंकड़े नहीं देता, उसको मेजर नहीं करता, अमीरों की नफाखोरी मेजर करता है, अमीरों की संपत्ति मेजर करता है, यानी जनता कितनी तबाह हुई उसको मेजर करता है। जितना जीडीपी बढ़ा, समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी उतनी ही नीचे चली गई, ऊपर वाले और ऊपर चले गए, आप नीचे आ गए। यही कारण है कि भारत का जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि भारत में अब दुनिया के अरबपतियों की संख्या तीसरे नंबर पर पहुंच गई है, 121। पिछले साल अरबपतियों की संख्या में 19 की बढ़ोतरी हुई है। बढ़िया है ना, तो देश प्रगति किया, जीडीपी ग्रोथ रेट 7% पे पहुंचने लगा है। तो यदि अमीर और संपन्न हो जाएं, आपको नौकरी न मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भूख से मर गए नो प्रॉब्लम, क्योंकि आप वैसे भी जीडीपी में योगदान नहीं कर रहे थे। तो आप यदि दुनिया से चले ही गए तो थोड़ा भार कम हो गया ना इस धरती पर, लेकिन देश प्रगति कर जाएगा यदि अंबानी की संपत्ति बढ़ जाएगी। तो ये जीडीपी की सच्चाई है। लेकिन हमारा जो मुद्दा है वो इससे थोड़ा अलग है, वो ये कि जीडीपी की इन सीमाओं के बावजूद फिर भी इस साल का जो जीडीपी ये बता रहे हैं वो इन्हीं की परिभाषा के तहत, इन्होंने जो आंकड़ा बताया है वो फॉल्टी है, वो झूठा है। मतलब क्या, जीडीपी में ये ठीक बात है कि किसान, छोटे दुकानदार, ठेले वाले वगैरह, यानी जो असंगठित क्षेत्र है, उसका सही, वो सही रूप में कितना उत्पादन करते हैं वो जीडीपी का आंकड़ा कैप्चर नहीं करता, ये सही बात है। लेकिन तब भी क्योंकि वो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है तो उसको पूरा निगेट नहीं कर सकते, और इसीलिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 45% है, यानी एक्चुअली हमने जो बात की उसके हिसाब से वो उससे भी ज्यादा है। उससे ज्यादा आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देश का 90% कामगार तबका, 90% एम्प्लॉयमेंट वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो खैर, उस मुद्दे को छोड़ दिया जाए, अभी जो हम मुद्दे पे बात कर रहे थे वो ये कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफिशियली जीडीपी का 45% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन भारत सरकार अनऑर्गेनाइज सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो असंगठित क्षेत्र है वो हर 3 महीने पर अपनी रिपोर्टें सरकार को नहीं भेजता, क्योंकि वैसा कोई सिस्टम नहीं है ना। अब वो छोटा किसान जो बाजार के लिए उत्पादन किया, वो अपनी रिपोर्ट थोड़ी भेजेगा भारत सरकार को कि हमने इतना उत्पादन किया। तो भारत सरकार असंगठित क्षेत्र का जो योगदान है अर्थव्यवस्था में, उसके लिए सर्वे कराती है। पॉइंट समझ गए? उस सर्वे से जीडीपी कितना बड़ा असंगठित क्षेत्र का, उसका अंदाज लगता है। अब हुआ ये कि पिछले 1.5 साल से भारत सरकार ने ऐसा कोई सर्वे नहीं कराया, तो फिर जीडीपी का आंकड़ा कैसे आ गया? उन्होंने ये मान लिया है कि जो संगठित क्षेत्र जितना उत्पादन उसमें बढ़ रहा है उतना ही असंगठित क्षेत्र में भी बढ़ रहा है। तो असंगठित क्षेत्र का उत्पादन उन्होंने अंदाज लगाया संगठित क्षेत्र से। ये हर बार ही करते हैं। आमतौर पे क्या होता है कि यदि देश में कुल मिलाकर इकोनॉमी बूम में चल रही है, इकोनॉमी थोड़ी ऊपर जा रही है, तो संगठित क्षेत्र भी ऊपर जाता है और असंगठित क्षेत्र भी ऊपर जाता है। इस साल पहली बार, यानी पिछले 1.5 साल में सरकार ने दो नीतियां लागू की जिसका कि असंगठित क्षेत्र पर भयंकर असर हुआ, संगठित क्षेत्र पर उतना असर नहीं हुआ। पहली नीति थी नोटबंदी की और दूसरी थी जीएसटी की। अब हम आज का चूंकि वो विषय नहीं है तो मैं उसका विश्लेषण नहीं कर रहा। कुल मिलाकर ये कि नोटबंदी और जीएसटी दोनों ने ही असंगठित क्षेत्र को तबाह किया है। भरपूर आंकड़े उपलब्ध हैं, सरकारी सर्वे नहीं है,
तो चूंकि सरकारी सर्वे नहीं है तो सरकार ये मानती ही नहीं कि असंगठित क्षेत्र तबाह हुआ है। अनऑफिशियल सर्वे बताते हैं कि असंगठित क्षेत्र तबाह ही नहीं हुआ है, उसका ग्रोथ रेट माइनस में चला गया है। जैसे उदाहरण के लिए जो व्यापारियों की संस्था है देश भर की, वो ये मानती है कि उनका व्यापार कुछ महीनों के लिए 70-80% नीचे आ गया था। जो बहुत छोटे उद्योग हैं उनमें से 80% प्रभावित हुए थे और बंद हुए थे और लाखों कामगार अपने गांव लौटे थे। तो ये जो सब माइनस में हुआ है, इसके चलते असंगठित क्षेत्र का जो जीडीपी में योगदान है वो माइनस में हो जाएगा ना। लेकिन क्योंकि सरकार इसको मानती ही नहीं, तो सरकार ने यही मान लिया है कि जो संगठित क्षेत्र का ग्रोथ रेट है वही असंगठित क्षेत्र का है। तो असल में जब सरकार बोलती है कि हमारा विकास दर Q3 का मतलब है साल का तीसरा तिमाही, एक साल में 4 Q's होते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। तो Q3 का मतलब हुआ जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, वो हुआ। तो 2017 का जो तिमाही था, तीसरा तिमाही, उसको Q3 बोलेंगे। उस समय उसका आंकड़ा बजट में दिया हुआ है कि हम 6.3% पे ग्रो किए। इसका मतलब यह है कि यह ऑर्गेनाइज सेक्टर का ग्रोथ रेट है, संगठित क्षेत्र का। असंगठित क्षेत्र का ग्रोथ रेट तो माइनस में था, और वो इतना माइनस में है, अर्थशास्त्रियों ने अंदाज लगाया है कि लगभग -5-6 के आसपास उसका ग्रोथ रेट है। तो यानी उसको वो माइनस और ये प्लस को इकट्ठा मिला दिया जाए तो अंदाज ये है कि ग्रोथ रेट, असली ग्रोथ रेट इस साल अर्थव्यवस्था का सिर्फ 1% के आसपास है, 1%, जिसको ये 7% बोल रहे हैं। ये मुद्दा समझ में आया? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कहने का मतलब इतना ही कि इकोनॉमी के दो हिस्से हैं, एक संगठित क्षेत्र है, एक असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र के बारे में सरकार अंदाज कैसे लगाती है? संगठित क्षेत्र से लगाती है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र का अंदाज लगाने के लिए वो बीच बीच में सर्वे करते हैं। इन्होंने बड़े इत्मीनान से 1.5 साल कोई सर्वे ही नहीं किया है। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, तो जब सर्वे ही नहीं होगा तो पता ही नहीं चलेगा। तो ये कह सकते हैं कि नोटबंदी का अर्थव्यवस्था पे कोई असर नहीं हुआ, और उसके चलते ये मानते हैं कि संगठित क्षेत्र का जो ग्रोथ रेट है वही असंगठित क्षेत्र का है। लेकिन अभी जैसे मैंने बताया, इस बार सरकार ने खुद ही अपने अर्थव्यवस्था के ऊपर जो कुल्हाड़ी मारी है, उसके चलते संगठित क्षेत्र तो बढ़ रहा है, असंगठित क्षेत्र उल्टी दिशा में जा रहा है, और दोनों को जोड़ देंगे तो नेट ग्रोथ रेट 1% आता है। तो ये इस देश की अर्थव्यवस्था की असलियत है। यही कारण है कि आप जो जिंदगी में महसूस करते हैं कि नौकरियां हैं नहीं, क्योंकि अर्थव्यवस्था भयंकर रूप से ठहरी हुई है, ये उसकी असलियत है। लेकिन वित्त मंत्री मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से हैं। वो कह रहे हैं कि हम अगले साल 8% ग्रोथ करेंगे। तो चलिए, उसका असर क्या हो रहा है? सरकार ये जो झूठ बोल रही है, झूठ नंबर एक, या दूसरा मान लिया जाए, आर्थिक विदेशी अर्थव्यवस्था के बारे में तो कुछ बोले ही नहीं, न बोलना भी झूठी है। जो बोल रहे हैं ग्रोथ रेट, वो भी झूठा है। तो उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम यह है, ये बजट के कुछ आंकड़े हैं। आप देखेंगे जो बजट, बजट आउटले का मतलब है सरकार बजट में कुल कितना खर्चा करती है, वो इस साल 24 लाख करोड़ के आसपास है कुल बजट में जो सरकार खर्चा करे। ये नॉमिनल जीडीपी है, यानी इसमें महंगाई नहीं जोड़ी गई है, जीडीपी एज इट इज जो होता है। तो यदि हम जीडीपी की तुलना में बजट का आंकड़ा देखें तो वो गिरा है, 13.2% से 13% पर आ गया है। यानी कुल मिलाकर सरकार ने इस साल, सरकार का अंदाज है कि अर्थव्यवस्था इतनी बढ़ेगी, तो जितनी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है उसकी तुलना में सरकार अपने बजट का खर्चा नहीं बढ़ा रही, बल्कि बजट का खर्चा कम कर रही है। देखिए, एब्सोल्यूट फिगर्स के बदले हर समय जीडीपी से तुलना इसलिए की जाती है, जैसे मतलब सरल करके समझना हो तो भाई अर्थव्यवस्था
10% बढ़ जाएगी तो सरकार की आमदनी भी 10% बढ़ जाएगी, तो ऐसे में बजट का खर्चा भी 10% बढ़ना चाहिए ना। इसीलिए उसको जीडीपी से तुलना करते हैं, यानी 10% अर्थव्यवस्था बढ़ गई मतलब जीडीपी बढ़ गया ना उतना। तो कायदन यदि हम ये माने कि पिछले साल जितना जीडीपी था, सरकार अपना बजट का खर्चा उतने ही करना चाहती है, तो ये फिगर जो है ये इतना ही होना चाहिए। यदि वो गिर गया इसका मतलब है कि सरकार इस साल पिछले साल की तुलना में कम खर्चा कर रही है, मुद्दा समझ गए। लेकिन असल में खर्चा उससे भी काफी कम है। काफी कम इसलिए है क्योंकि एक आंकड़ा यह है जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस, इसका मतलब यह हुआ कि असल में मामला क्या है कि राज्य सरकारें जो टैक्स इकट्ठा करती थी, कुछ टैक्स केंद्र सरकार इकट्ठा करती है, कुछ राज्य सरकार इकट्ठा करती है। अब केंद्र सरकार ने जीएसटी लागू करके राज्य सरकार जो टैक्स इकट्ठा करती है उसका एक बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया, तो राज्य सरकारों की आमदनी घट गई। तो ऐसे में केंद्र सरकार जीएसटी का जो आमदनी हो रही है उसका एक हिस्सा राज्य सरकारों को ट्रांसफर कर रही है। तो जब आप राज्य सरकारों को ट्रांसफर कर रहे हो तो आपके बजट में नहीं आया ना वो, यानी कायदन वो बजट के खर्चे में नहीं आना चाहिए। पॉइंट समझ गए? क्योंकि बजट का खर्चे का मतलब क्या हुआ कि सरकार ने शिक्षा में कितना खर्च किया, सड़क बनाने पे कितना किया, कारखानों में कितना किया, वगैरह वगैरह। तो आपने यदि होता क्या है, सरकार मान लीजिए 100 रुपये इकट्ठा करती है टैक्स के रूप में, उसमें से 20 रुपया राज्यों को देती है, तो वो जो 80 रुपया बचता है जो सरकार अपना खर्चा करती है उसको बजट आउटले बोलते हैं। यानी जो यानी ये जो आंकड़ा है ना, ये सरकार की कुल टैक्स आमदनी नहीं है, सरकार की कुल टैक्स आमदनी इससे ज्यादा होती है, और उसमें से एक हिस्सा जो सरकार राज्य सरकारों को दे देती है उसके बाद जो बचता है उससे सरकार बजट बनाती है। तो यदि ये हिस्सा भी आप राज्य सरकारों को दे रहे हो तो इसको भी तो माइनस करना चाहिए, इन्होंने माइनस नहीं किया। तो ये आंकड़ा इसमें है लेकिन असल में वो खर्चा नहीं हो रहा है। पॉइंट समझ गए? तो असली खर्चा 24 लाख करोड़ रुपए माइनस 90,000 करोड़ है, यानी असली खर्चा इस बार का बजट का 23.5 लाख करोड़ है। ये झूठ बोल रहे हैं कि इतना खर्चा कर रहे हैं, एक और झूठ इसमें भी झूठ बोल रहे हैं। इसमें झूठ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यदि ये बताएंगे कि हमने इतना ही खर्चा कर रहे हैं तो हल्ला मचेगा ना कि आप इस बार जीडीपी की तुलना में सिर्फ 12.5% खर्च कर रहे हो, जबकि पिछले साल आपने 13.2% किया था। तो वो हल्ला रोकने के लिए हम आप नहीं हल्ला मचाएंगे क्योंकि जनता तो समझती नहीं, अर्थशास्त्री तो बोलेंगे ना। तो इसको छिपाने के लिए उन्होंने इस आंकड़े को भी कन्वीनियंटली इसमें जोड़ दिया। तो असली खर्चा कितना है? इतना है। अब ये क्यों मैं ये बातचीत कर रहा हूं, ये मैं बातचीत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इससे निष्कर्ष जो निकलता है वो समझने वाली बात है। जब अर्थव्यवस्था ठहर रही होती है, ग्रोथ रेट 1% के आसपास पहुंच रहा है, तो ऐसे में कोई भी सरकार की पॉलिसी ये होनी चाहिए कि वो अपने खर्चे बढ़ाए, क्योंकि यदि वो अपने खर्चे बढ़ाती है तो उससे रोजगार पैदा होता है, उससे गरीबी कम होती है। जैसे उदाहरण के लिए शिक्षा में खर्चे बढ़ाएगी तो टीचरों को नौकरी मिलेगी, बेरोजगार युवकों को टीचरों की नौकरी मिलेगी, टीचरों की नौकरी मिलेगी तो फिर वो साबुन तेल खरीदेंगे, स्कूटर खरीदेंगे, तो ऐसे में प्राइवेट सेक्टर को भी चालना मिलेगी, यानी उसमें भी उत्पादन बढ़ेगा, और प्राइवेट सेक्टर में उत्पादन बढ़ेगा तो वहां पर भी रोजगार पैदा होंगे। तो यदि सरकार एक रोजगार पैदा करती है शिक्षा के क्षेत्र में, तो अंदाज ये है कि प्राइवेट सेक्टर में उसके चलते 1.5 रोजगार पैदा होता है, और यदि उसके चलते यानी कुल कितना रोजगार पैदा हो गया, 2.5, तो इसका परिणाम यह होता है कि जीडीपी भी बढ़ता है, सरकार की टैक्स आमदनी बढ़ती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में रोजगार बढ़ेगा, प्राइवेट सेक्टर का फायदा बढ़ेगा, तो सरकार को वह पैसा वापस आ जाता है। तो ये कीन्स की थ्योरी थी बहुत पुरानी,
और जिसको दुनिया भर में स्थापित इकोनॉमिक थ्योरी है, तो यदि अर्थव्यवस्था ठहर रही है तो वित्त मंत्री के लिए जरूरी था कि अपना बजट का खर्चा वो बढ़ाए, लेकिन वो बजट का खर्चा बढ़ाने के बदले घटा रहे। ऐसे में मंदी और गहराएगी, संकट और गहराएगा। संकट से निकलने का सबसे महत्वपूर्ण, दुनिया भर में सब देशों ने यही किया। 2007 में जब अमेरिका और यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं कोलैप्स कर गई, वो जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, सारे देशों ने अरबों डॉलर अर्थव्यवस्था में डाले अर्थव्यवस्था को दोबारा बूस्ट करने के लिए। इसको बोलते हैं स्टिमुलस, एक शब्द आता है अखबारों में, इकोनॉमिक स्टिमुलस बोलते हैं, आर्थिक चालना दो, आर्थिक धक्का दो। तो अर्थव्यवस्था यदि ठहर रही है, रोजगार की स्थिति इतनी भयंकर है, तो सबसे महत्वपूर्ण तरीका केंद्र सरकार के पास जो होता है वो ये होता है कि अपना बजट का खर्चा बढ़ाए। ये बजट का खर्चा एक तरफ जीडीपी के आंकड़े पे झूठ बोले और वो इनके लिए कवर बन जाता है कि अर्थव्यवस्था यदि बहुत अच्छा चल रही है तो ये बढ़ाने की क्या जरूरत है, चल जाएगा। तो इसीलिए ये बजट का खर्चा बढ़ा ही नहीं रहे, कायदन जो बढ़ाना चाहिए था बल्कि घटा रहे। ये जो पुस्तिका आएगी बजट पर, उसमें हम इसके संबंधित और भी आंकड़े देंगे कि सरकार जो कुल अर्थव्यवस्था में खर्चे करती है, 90 के पहले के आंकड़े और 90 से लेकर पिछले 30 सालों के आंकड़ों में इतना ज्यादा फर्क है। उस समय सरकार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो लगभग 15% था, जो आज गिर के 1% रह गया है। सरकार इतना कम खर्चा कर रही है अर्थव्यवस्था में, उस पर कोई हल्ला ही नहीं मचाता, कोई अर्थशास्त्री एक शब्द नहीं बोलता, कोई लेख नहीं आता। जनरल जो इस देश के अर्थशास्त्री हैं, जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं, जिनको अखबार और मीडिया समय देता है, वो सब क्योंकि सरकारी धोरण का कुल दिशा से सहमत हैं, तो इसलिए वो ये सब सवाल नहीं उठाते। चलिए, अब हमारा ये कहना है कि सरकार चाहे तो इस आंकड़े को, ये जो बजट का खर्चा है, सरकार चाहे तो उसको बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है। हमारा आज का जो व्याख्यान है उसमें मैं इस पे ज्यादा फोकस करने वाली कि कैसे ये खर्चा बढ़ा सकती है, ये चाहे तो इस आंकड़े को 50% 60% 70% बढ़ा सकते हैं और पूरे देश की हालत बदल सकती है, ये चाहे तो कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, मैं उसका आर्ग्यूमेंट आपके सामने रखने वाला हूं। अब यहां पर वो आंकड़ा आता है सरकार की जो आमदनी है, तो सरकार के जो कुल आमदनी है उसके दो हिस्से होते हैं, एक होता है उसका टैक्स की आमदनी और एक होता है उसकी गैर टैक्स, बिगर टैक्स आमदनी, नॉन टैक्स रेवेन्यूज। तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, केंद्र सरकार देश भर से जो टैक्स इकट्ठा करती है, कुल टैक्स, उसको बोलते हैं ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। वो आंकड़ा है 22.7 लाख करोड़, उसमें से लगभग 8 लाख करोड़ वो राज्य को ट्रांसफर करती है। ठीक है, अब इसमें मैं जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस का मुद्दा मैं नहीं ले रहा, मैं मान के चल रहा हूं कि वो सरकार के पास ही है, यानी और एक्यूरेट करना हो तो वो 90,000 और माइनस करना चाहिए, लेकिन हम अभी उतने सब झंझट में नहीं जा रहे, वैसे ही बजट समझना मुश्किल होता है और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आप लोगों के, तो इतना ही समझ। तो 22.7 लाख करोड़ ये सरकार की कुल टैक्स आमदनी है, पॉइंट, ठीक है। उसमें से राज्य सरकारों को सरकार ने ट्रांसफर किया तो सरकार के पास बचा 14.8 लाख करोड़। उसके अलावा सरकार की एक बगैर टैक्स आमदनी होती है, नॉन टैक्स जिसको बोलते हैं, जैसे उदाहरण के लिए सरकार ने पब्लिक सेक्टर कंपनी बेची तो उससे सरकार की आमदनी होगी ना, स्पेक्ट्रम बेचा था
वो कोयला और बॉक्साइट और गैस प्राइवेट कंपनियों को हैंडओवर कर रहे हैं, तो उसमें रॉयल्टी पेमेंट वगैरह मिलता है ना, तो ये सब नॉन टैक्स इनकम है। पॉइंट समझ गए? क्योंकि ये टैक्स नहीं है ना, नॉन टैक्स है, वन टाइम है, तो वो है नॉन टैक्स रिवेन्यू। और फिर एक तीसरा है कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट में वो आता है जो अभी मैंने बोला, ये नॉन टैक्स में इस तरह का आता है, जैसे पब्लिक सेक्टर कंपनियां जो हैं उनका जो नफा आता है, स्पेक्ट्रम और रॉयल्टी पेमेंट आता है क्योंकि वो भी हर साल होता है, और कैपिटल रिसिप्ट का मतलब है जो वन टाइम आता है सरकार के पास, यानी आपने पब्लिक सेक्टर कंपनी के एक्चुअली शेयर बेचे तो वो कैपिटल रिसिप्ट में आता है। इधर है ये कट गया, रिटर्न ऑफ लोन्स है इधर, तो वो है, वो कम है, वो 2 लाख करोड़ है नॉन टैक्स रिवेन्यू। तो कुल रिवेन्यू कितना हुआ? 14.8, 2.45, कैपिटल रिसिप्ट है 7.16, तो कुल मिलाकर हो गया 24.4। तो ये इस साल का बजट का। अच्छा, इसमें कैपिटल रिसिप्ट में सरकार जो कर्जे लेती है वो भी है, उसी कर्जे को बोलते हैं वित्तीय घाटा। ठीक है, तो सब मिलाकर सरकार ने कुल कितना पैसा इकट्ठा किया टैक्स से, बगैर टैक्स से कर्जा लेकर, वो आंकड़ा है 24.4 लाख करोड़। यही बजट का आउटले था ना, ये भी वही था ना आंकड़ा, ये आंकड़ा भी वही है। ये समझ गए ये आंकड़ा कहां से आया? अब हमारा ये कहना है कि सरकार चाहे तो उसको बढ़ा सकती है, और उसको बढ़ाने के लिए हम तर्क ये देने वाले हैं कि सरकार चाहे तो ये और ये, यानी अपनी टैक्स आमदनी बढ़ा सकती है, और सरकार चाहे तो नॉन टैक्स आमदनी भी बढ़ा सकती है। कैसे बढ़ा सकती है उसका तर्क देखिए। अब मैं जो कहने वाला हूं वो कुछ नया नहीं है, इकोनॉमिक सर्वे में खुद ही सरकार बोलती है। इकोनॉमिक सर्वे मतलब बजट के पहले एक दस्तावेज आता है ना कि अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है, उसमें वो सब मानते हैं कि अरे बड़ी बुरी चल रही है। ठीक है, उसमें बोलेंगे कि हम टैक्स ज्यादा इकट्ठा नहीं करते, लेकिन बजट में वित्त मंत्री जब संसद को बोलता है, क्योंकि सारे टीवी चैनल उसको फोकस किए होते हैं, कोई टीवी चैनल इकोनॉमिक सर्वे को नहीं फोकस करता, उसको लोग भूल ही जाते हैं कि वो आया भी, क्योंकि बजट भाषण पब्लिक के लिए है, तो उसमें वित्त मंत्री ठीक उल्टा बोलता है, बड़ी बड़ी बातें बोलता है, जबकि इकोनॉमिक सर्वे भी बनाने में वो शामिल था। ठीक है, तो बड़ा मजेदार है। तो ये जो आंकड़े हैं ना, ये इकोनॉमिक सर्वे से लिए हैं। सरकार खुद मानती है कि सरकार जीडीपी की तुलना में टैक्स बहुत कम इकट्ठा करती है, यानी कुल टैक्स कम इकट्ठा करती है, यानी इसको थोड़ा और समझ लीजिए, जितना जीडीपी होगा उतना टैक्स होगा ना। तो मान लो भारत और अमेरिका की तुलना करनी है, तो अमेरिका भारत से अमीर देश है, तो अमेरिका का जीडीपी ज्यादा होगा, तो अमेरिका का टैक्स भी ज्यादा होगा ना। तो भारत और अमेरिका की टैक्स आमदनी की तुलना करनी है तो एब्सोल्यूट फिगर तुलना नहीं कर सकते, तुलना कैसे करनी होगी? एज अ प्रपोर्शन टू जीडीपी। पॉइंट समझ गए? जैसे बांग्लादेश है, भारत से छोटा देश है, तो जीडीपी कम ही होगा ना, भले वो भी गरीब हम भी गरीब, लेकिन वो छुटका सा देश, हम इतने बड़े देश, तो हमारा कुल उत्पादन ज्यादा ही होगा ना, तो हमारा उत्पादन ज्यादा होगा तो टैक्स आमदनी ज्यादा होगी। तो भारत बांग्लादेश कितना टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं वो कंपेयर करना होगा, तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो से तुलना करनी होगी। ठीक है, पॉइंट समझ? तो भारत सरकार का जो जीडीपी की तुलना में टैक्स है वो विकसित देशों की तुलना में आधे से भी कम है। क्या समझे? वो 34% इकट्ठा करते हैं, ब्राजील उससे भी ज्यादा इकट्ठा करता है, दक्षिण अफ्रीका 29% इकट्ठा करता है। वो भारत के, हम बराबर के देश है, यानी साउथ अफ्रीका और ब्राजील और भारत, इन सबको इन्होंने ब्रिक्स बना रखा है ना, और ये मानते हैं कि हम सब बराबर के देश हैं, अपने को नाम दिए हुए इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी, ईएमई, तो ये सब भाई भाई हैं, तो सब भाई भाई जो हैं उसमें भारत ही 16% है, बाकी सब भारत से 1.5 गुने से ज्यादा इकट्ठा कर रहे हैं। पॉइंट समझ गए? मतलब क्या हुआ? इकोनॉमिक सर्वे देखिए क्या कहता है, इस साल का इकोनॉमिक सर्वे, हाँ,
कोटेशन लंबा है, अनुवाद कर देता हूं। वो कहता है कि ये बड़ा देखने वाली बात है, उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार का टैक्स जीडीपी रेशो 80 के दशक की तुलना में अभी भी उतना ही है। इसके बावजूद कि भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में है, तब भी हमने अपना टैक्स आमदनी नहीं बढ़ाई है। समझ गए? यानी अमीर बहुत तेजी से अमीर हुए हैं, लेकिन हमने उनसे ज्यादा उनको तंग नहीं किया है, टैक्स वसूला ही नहीं है उनसे। ठीक है, तो खुद ही मानते हैं कि भारत का ये आंकड़े भी वहीं से हैं, इकोनॉमिक सर्वे से, उसके पिछले साल के सर्वे से। तो कहने का मतलब ये कि भारत सरकार चाहे तो टैक्स आमदनी दुगना कर सकती है ना, नहीं कर सकती? दुगना करेगी तो कितना हो गया, 33%। ब्राजील से अभी भी कम, डेढ़ गुना बढ़ाएगी तो 28%। इसका मतलब यह हुआ कि ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू 22 लाख करोड़ से 33 लाख करोड़ तो पहुंच ही सकता है, नहीं समझ? लॉजिक क्लियर है ना? और 33 क्यों, यूरोप के लेवल पे लाना हो तो 44 पहुंच जाएगा। कमाल है, करते हैं। अब हमारी टैक्स आमदनी कम क्यों है, यानी वो आंकड़ा 22 क्यों है, 34 क्यों नहीं है? उसका पहला कारण है कि भारत सरकार और देशों की तुलना में अमीरों को बहुत ज्यादा छूट देती है। ये ऑफिशियल आंकड़ा है इस साल का, इसलिए मैंने एस्ट्रिक्स लगा रखा है, ये ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है क्योंकि इस साल इन्होंने बेशर्मी से आंकड़ा दिया ही नहीं। पिछले 3 साल आंकड़ा दिया, वो आंकड़ा है 5.5 लाख करोड़। तो मैं मानकर चला कि इस साल भी उतना ही होगा। उन्होंने इतना ही कहा है कि इस साल हम ये आंकड़ा अगले साल देंगे। हमारे एक दोस्त थे, पत्नी झगड़ा करती थी तो बोलते कल बात करेंगे। तो ये भी वैसा ही है, अगले दिन, अगले साल बात करेंगे। ये अगले दिन नहीं, अगले साल बात करेंगे। तो ये, लेकिन इसमें उन्होंने एक छोटा आंकड़ा दिया है। वो आंकड़ा ये है कि उन्होंने कहा है कि पिछले साल इसमें 3 किस्म की टैक्स माफी होती है। एक कंपनियों को टैक्स माफी होती है, और एक इनडायरेक्ट टैक्स माफी होती है, और एक डायरेक्ट, दो प्रकार की, एक कंपनियों को टैक्स माफी और एक इनडायरेक्ट टैक्स माफी, यानी कस्टम ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज। तो उन्होंने ये माना है कि पिछले साल की तुलना में कॉरपोरेट टैक्स माफी इस साल बढ़ी है, लेकिन कहा है कि इनडायरेक्ट टैक्स का हमको अंदाज नहीं है क्योंकि जीएसटी आया है, हमारे सब आंकड़े अभी इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो इसलिए हम ये आंकड़ा नहीं दे रहे। तो जब कॉरपोरेट टैक्स माफी बढ़ गई तो ये आंकड़ा असल में 5.5 से ज्यादा होना चाहिए ना, लेकिन फिर भी थोड़ा छूट दे दें, लोग बोलेंगे यार ज्यादा बढ़ा दिए, तो इतना ही काफी है। तो यानी मोदी सरकार के 4 सालों में मोदी सरकार ने 22 लाख करोड़ की टैक्स माफी दी है। 22 लाख करोड़ का आंकड़ा अंदाज लगाइए, 22 लाख करोड़ सरकार की एक साल की टैक्स आमदनी से ज्यादा है। जीडीपी नहीं है, टैक्स, ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू 22.7 और 4 साल में टैक्स माफी उतनी। यानी यदि वो नहीं दिए होते इस साल, 5.5 लाख करोड़ नहीं दिए होते, तो हमारी टैक्स आमदनी 28% बढ़ गई होती। ये एक आंकड़ा। दूसरा आंकड़ा काली इकोनॉमी, जिसके अरुण कुमार एक्सपर्ट है, हमने उनको बुलाया भी था। काली इकोनॉमी में, ब्लैक इकोनॉमी, आप बोलेंगे अरे मोदी सरकार ने नोटबंदी की, वही तो मुद्दा है। नोटबंदी हमको बेवकूफ बनाने के लिए की। नोटबंदी का उद्देश्य ब्लैक इकोनॉमी पे कार्रवाई करना नहीं था। उन्होंने कोई ब्लैक इकोनॉमी पे कार्रवाई नहीं की है। ब्लैक इकोनॉमी का एक सबसे महत्वपूर्ण तरीका यह होता है कि इस देश से डॉलर, रुपया जो बाहर जाता है और फिर मॉरिशस के जरिए वापस आता है,
दाउरी जी से ला रहे हैं, उनको मालूम है, वैसे आपका नहीं होगा लेकिन हम जानते हैं। तो मॉरिशस के साथ इन्होंने, ये ऐसे बेईमान है, इन्होंने करार किया हुआ है कि तुम्हारे यहां से जो डॉलर आएगा भारत में उस पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, तुम लगाना, और वहां पे टैक्स लगता ही। तो क्योंकि वहां पे टैक्स नहीं लगता और हमने करार किया है कि हम टैक्स नहीं लगाएंगे, मॉरिशस भारत जितना बड़ा देश है ना, तो बराबर बराबर की अर्थव्यवस्था है, बल्कि हो सकता भारत से बड़ा भी हो, पता नहीं, मैं जानता नहीं। तो मॉरिशस जितना बड़ा देश, उसका ध्यान रखने के लिए हमने वहां से जो पैसा आया उस पर टैक्स नहीं लगाते, ये भारत सरकार ने करार किया है। ऊपर से उसमें यह भी क्लॉज जोड़ रखा है कि आपके यहां से जो डॉलर आएगा वो किसका है वो बताने की जरूरत नहीं है, उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटरी नोट, कि उसके जरिए जो डॉलर आएगा तो अंबानी और टाटा और अडानी जब भारत चोरी से पैसा बाहर ले जाते हैं और मॉरिशस के जरिए भारत में वापस लेकर आते हैं, तो हमको ये पता ही नहीं चलता कि उनका उनका पैसा है, क्योंकि क्लॉज वैसा है कि आइडेंटिटी नहीं बतानी है। एक क्विक बात है, ये पार्टिसिपेटरी नोट सिर्फ भारत में आया हो और किसी देश में। गुड, एक और तथ्य पता चल गया, ये मेरे को नहीं मालूम था। गुड, तो बताइए, ऐसे बेईमान लोग हैं, कम से कम ये तो कहते कि भैया तुम आइडेंटिटी तो बताओ कि किसका डॉलर है, तो दिक्कत फंसती ना अंबानी को कि डॉलर बाहर से कैसे आ रहा है। वैसे फिर भी वो कोई तरीका निकाल लेते, किसी और के नाम पे कर दिए होते, लेकिन किसी और के नाम पे करेंगे तो कुछ खर्चा बढ़ जाएगा, अच्छा पता चला जिसके नाम पे किया वो लेकर भाग गया, तो ये सब प्रॉब्लम होती है ना। तो इन्होंने तरीका क्या अपना रखा है कि बताने का ही नहीं है। तो आप सोचिए ना, मोदी सरकार को काले धन पे कार्रवाई करनी होती तो इसको तो रोक ही सकती थी ना। उसको रोकने के बदले मॉरिशस के अलावा इन्होंने हॉलैंड से भी एग्रीमेंट कर लिया कि तुम्हारे यहां से भी डॉलर आएगा तो टैक्स नहीं लगेगा, बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो इनको ब्लैक इकोनॉमी पर रत्ती भर कार्रवाई नहीं करनी है, वो मामला पूरा ही दूसरा है। अमेरिका के कहने पर की गई है नोटबंदी, इसलिए नोटबंदी की पुस्तिका पढ़ लीजिए, मैं उस पर अभी ज्यादा नहीं जा रहा, हम सेल्स एजेंट नहीं है लेकिन हम ठीक ठाक ही लिख रहे हैं। तो भारत सरकार, अब एक आंकड़ा लीजिए, हमारी ब्लैक इकोनॉमी का अंदाज यह है कि 2014 में, एक साल का ही आंकड़ा है, कि कुल चोरी का पैसा जो बाहर गया और चोरी का पैसा जो भारत में आया, संजीव इधर आ जाइए, चाहे तो दिख नहीं रहा, आगे आ जाइए, इधर एक कुर्सी भी खाली, आगे आ जाइए, आगे आगे। यानी चोरी का पैसा जो बाहर गया और चोरी का पैसा जो अंदर आया उसका अमाउंट है 47 बिलियन डॉलर्स, और उस पे 30% से कम टैक्स भी लगा लीजिए तो कम से कम 1,00,000 करोड़ रुपए की सरकार की आमदनी होती यदि इसको रोका गया होता था। तो ये भी जुड़ जाता ना, यानी अमीरों की टैक्स माफी 5,00,000 करोड़, ये आमदनी 1,00,000 करोड़, और देखिए। तो खैर, मतलब मैं ये दो ही मुद्दे लिखे थे इसमें, इस तरह के और भी कई सब गोलमाल है, यानी कहने का मतलब ये कि भारत सरकार चाहे तो अपनी टैक्स आमदनी ठीक ठाक बढ़ा सकती है। इतना ही नहीं, ये टैक्स आमदनी अमीरों से वसूलते ही नहीं, आप ही से वसूलते हैं, यानी हम आपसे। हाँ, दुनिया उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स अमीरों से लिया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स सबसे लिया जाता है, यानी माचिस के डिब्बे पर भी टैक्स लगता है, आप जो भी सामान खरीदेंगे उस पर टैक्स लगता है। तो इसीलिए कोई भी सरकार आमतौर पर करती क्या है कि उसकी जो कुल आमदनी होती है उसमें डायरेक्ट टैक्स का हिस्सा ज्यादा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स का कम होता है, और ये पूंजीवादी देशों की मैं बात कर रहा हूं।
दुनिया के ज्यादातर देशों में डायरेक्ट टैक्स का हिस्सा 55 से 60% होता है और इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि डेवलप कंट्रीज का 70% है, इकोनॉमिक सर्वे बोलता है, और हमारा कितना है 30%, ठीक उल्टा है। यानी विकसित देश अमीरों से 70% आमदनी इकट्ठा करते हैं और बाकी 30% जनता से इकट्ठा करते हैं, हम 30% अमीरों से इकट्ठा करते हैं और 70% जनता से इकट्ठा करते हैं, ये हालत। और इस साल अब इसमें ये केंद्र सरकार की, इसमें राज्य सरकार भी जुड़ता है ना, तो उससे ये फिगर आता है टोटल वाला। राज्य सरकारों का ज्यादातर इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू होता है, तो डायरेक्ट टैक्स आमतौर पे केंद्र सरकार ही सबसे ज्यादा इकट्ठा करती है। तो यदि केंद्र सरकार का डायरेक्ट टैक्स गिर रहा होगा तो ओवरऑल ये और कम हो जाएगा। तो ये देखिए पिछले 10 सालों में ही 61% से 51% हो गया डायरेक्ट टैक्स, ये केंद्र सरकार की मैं बात कर रहा हूं। तो ओवरऑल ये 30 का इस साल 28 के आसपास पहुंच जाएगा, यानी ये अमीरों की टैक्स माफी बढ़ाते चले जा रहे हैं, अमीरों से टैक्स वसूलते नहीं और जनता से ही वसूलते चले जाते हैं। क्या नहीं समझ में आया पॉइंट, समझ गए? टैक्स माफी बढ़ती चली जा रही है, ऊपर से इस साल कॉरपोरेशन टैक्स नहीं 5% कम कर दिया, नहीं इन्होंने किया है, तो उस तरह की छूट बढ़ती चली जा रही है। तो डायरेक्ट टैक्स इसलिए कम हो रहे हैं क्योंकि ये टैक्स रेट कम कर रहे हैं, टैक्स की छूट बढ़ाते चले जा रहे हैं इन सब कारणों के चलते। ये ऑफिशियल फिगर है लेकिन सब इकोनॉमिक सर्वे से है, उसकी चर्चा नहीं होती ना। चलिए आगे बढ़े, तो एक तो यानी देखिए टैक्स बढ़ाने की कितनी संभावना है, अमीरों पे कुछ टैक्स नहीं लगा रहे तो कोई कारण नहीं है ना कि उनसे भरपूर वसूली कर लें। अपना ही बंदा दुनिया का सबसे अमीर लोगों में से पहुंच गया है, अभी आंकड़ा आया था कि उसकी संपत्ति $16 बिलियन बढ़ गई है, 16 बिलियन इस साल अंबानी की, मुकेश अंबानी की। क्यों बढ़ी? क्योंकि टैक्स लगाते हैं उनके ऊपर। अब दूसरा आमदनी का हिस्सा नहीं, एक हुआ टैक्स रिवेन्यू ना, हमने बात की थी ना सरकार की दो प्रकार की टैक्स आमदनी है, एक है टैक्स रिवेन्यू और एक है नॉन टैक्स रिवेन्यू। तो नॉन टैक्स रिवेन्यू की बात करें, नॉन टैक्स रिवेन्यू हमारा इसलिए कम है क्योंकि अमीरों को टैक्स माफी देने के बदले सरकार लोन माफी भी देती है, और लोन माफी का आंकड़ा तो और भी गजब है। यूपीए ने 10 सालों में 1.6 लाख करोड़ की टैक्स माफी दी, वो लोन माफी दी थी, कितना 1.6। मोदी सरकार ने 3 सालों में ही उससे ज्यादा दे दिया 1.9। ये राज्यसभा में उत्तर दिया है, मेरा आंकड़ा नहीं है, यानी चौथा साल भी बीत गया ना तो और बढ़ गया होगा, कुल मिलाकर कितना हो गया 3.5 लाख करोड़ लोन माफी। फिर दूसरा है लोन पुनर्गठन, लोन की पुनर्रचना। जो लोग पहले भाषण सुने हैं वो इस पर वो जानते होंगे क्या है पुनर्रचना का मतलब है कि क्योंकि लोन माफी पर हल्ला मचता है ना बहुत ज्यादा, अरे गरीबों का भैंस का लोन माफ नहीं करते, अमीरों के लोन माफ कर दिए, हल्ला मचेगा ना। तो वो करते क्या है कि अमीरों से कहते हैं कि अच्छा ऐसा करो, मान लीजिए इन्होंने मेरे से लोन लिया, मैं बैंकर हूँ, 1 लाख रुपए लोन लिया, और बोलते हैं यार 10 साल हो गए, मैं भी इनसे बोल रहा हूँ यार कुछ तो करो, बोल रहा है यार कहाँ से दें, वो पैसा वहाँ लगा दिया वहाँ लगा दिया। तो फिर मैं इनसे कहता हूँ अच्छा ऐसा करो मेरे से 2 लाख रुपए और ले लो और उस 2 लाख रुपए में से 1 लाख वापस कर दो, तो मेरे खाते में लोन वापस आ गया ना, और मेरे खाते में क्या आया कि मैंने 2 लाख का नया लोन दिया है। तो बैंक का बिजनेस अच्छा बढ़ता है ना नया लोन दे, तो पहले वाला लोन भी वापस आ गया तो बैंक बहुत अच्छा चल रहा है ना। तो इसको बोलते हैं रीस्ट्रक्चरिंग, यानी रीस्ट्रक्चरिंग में वो पैसा कभी वापस
आता नहीं, एक प्रकार से गया, यानी आप उसको टालते चले जाते हो। तो 2014 तक का आंकड़ा उपलब्ध है वो है 6 लाख करोड़, और उसके बाद का आंकड़ा मोदी सरकार ने दिया ही नहीं है। तो मान लो ये भी 3-4 तो हो गई ना, जब ये ज्यादा है तो 6 से ज्यादा शायद नहीं किया होगा, तो 3-4 तो हो गई। ये सारा लोन माफी और लोन पुनर्गठन के बाद अब बैंक बोल रहे हैं और भारत सरकार बोल रही है कि 9.5 लाख करोड़ और माफ करना बाकी है। तो उसके बारे में रिजर्व बैंक ने एक पॉलिसी घोषित की है, उसका नाम मालूम क्या है, पढ़ सकते हैं? अब आपको ये विश्वास नहीं होगा, मेरे को भी नहीं हुआ था। तो जब मैंने पढ़ा कि हेयर कट पॉलिसी, तो मैंने कहा यार ये गड़बड़ है, कुछ तो मजाक में लिखा होगा। तो मैंने नेट पे टाइप किया आरबीआई हेयर कट पॉलिसी, तो 10 लेख मिल गए। अरे उसकी पॉलिसी का नाम है हेयर कट पॉलिसी, यानी बाल छोटे कटाओ, यानी जल्दी जल्दी लोन माफ करो और लोन रिस्ट्रक्चरिंग करो। तो कुल मिलाकर 3.5 और 6, 9.5 और 9.5, 19 और 1, 2, 3 तो हो गई, यानी 20 लाख करोड़ से ज्यादा ये लोन माफ कर चुके हैं। 20, तो वो कितना था टैक्स माफी? 22 लाख करोड़, ये भी उतना ही पहुंच गया। इतना ज्यादा उनको दे रहे हैं। कुछ पूछना है? यार अंदर की बातें नहीं पूछनी चाहिए, थोड़े से होंगे मुट्ठी भर। जैसे इसमें ये जो नहीं मालूम है ना आंकड़ा, इसमें एक आंकड़ा मेरे को पता चला, किसी ने बताया तो नेट पे सर्च किया तो मिल गया। इन्होंने पिछले साल अंबानी का, मुकेश अंबानी जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, उसके पर्सनल 16,000 करोड़ माफ कर दिए, रिस्ट्रक्चर किया है, वो भी गैस के बिजनेस में जो सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है। उसमें उसने कहा कि मेरी कंपनी लोन नहीं चुका पा रही, तो इन्होंने जो लोन अभी चुकाना था उसको 15 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया। 16,000 करोड़, तभी तो अंबानी की संपत्ति बढ़ गई एक साल के अंदर $16 बिलियन। तो यही सब होगा। उसी तरह से एक और तरीका है नॉन टैक्स आमदनी का, जो सरकार बढ़ा सकती है, कि जो जो देश के खनिज साधन है, जो मिनरल वेल्थ है, जब वो सारा का सारा लगभग मुफ्त में प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं, अरे देना ही हो तो रॉयल्टी व्यवस्थित वसूलो ना। यानी कच्चा लोहा, अभी उड़ीसा गए थे तो प्रभु सामंत राय बता रहे थे 8,000 रुपये टन मार्केट रेट है, उस पे ये लोग पहले 30 रुपया टन लिया करते थे रॉयल्टी। काफी हल्ला मचा तो धीरे धीरे बढ़ाकर अब कुछ 700-800 रुपए पहुंच गया है, तो भी 7,200 रुपए टन वो कंपनी नफा कमाती है। सिर्फ लोहा निकल, करना क्या होता है, निकाला और बेचा, उतना नफा। तो सिर्फ गैस का धंधा जिसपे इन्होंने अंबानी को 16,000 करोड़ माफ किए है, यानी एक तो लोन माफ करो ऊपर से ये भी दे दो। गैस के धंधे पे इन्होंने अपनी गैस, ये मैं सिंबायसिस में एक बार लेक्चर में बताया तो बच्चों को, बच्चे माने ही नहीं अंत तक कि सर ये तो हो ही नहीं सकता। मुद्दा क्या है, अपनी गैस जिसका खोज किया किसने, ONGC ने खोज किया। तो कोई भी इस तरह के धंधे में सबसे बड़ा मामला खोजने का होता है, यानी ऑयल गैस वगैरह को सबसे कठिन मामला होता है खोजने का, क्योंकि कहाँ है नहीं मालूम, जैसे पानी नहीं जमीन के नीचे कहाँ है मालूम नहीं होता, एक बारी पानी मिल गया तो कुआं पानी देता रहेगा, वैसे ही गैस का भंडार है, गैस एक बारी मिल गई तो गैस निकलती रहेगी और अपने आप ही निकलती रहती है क्योंकि प्रेशर नीचे से बहुत होता है। तो गैस का भंडार खोजा ONGC ने, गैस निकालकर बेचना शुरू किया, नहीं पहले ONGC बेच रही थी, फिर इन्होंने वो गैस का भंडार रिलायंस को दे दिया और रिलायंस से करार ये किया कि
जो गैस ओएनजीसी 1 रुपए में बेच रही थी, अब वो रिलायंस से 7 रुपए में खरीद रहे, 7 रुपए। यानी राजश्री ने घर बनाया और वो अतुल को दे दिया फ्री में, और फिर अतुल से वही घर भाड़े में लिया, और उस घर का मार्केट प्राइस 1000 रुपए है, तो बोलिए नहीं नहीं 7000 रुपए में तुमको दूंगी। वही हुआ ना, उसमें घाटा ही कहां हो सकता है। फिर बोर्डों पे लगा रखा है कि गैस में सब्सिडी दे रहे हैं, उल्लू नहीं बना रहे। यानी 7 रुपए की गैस अब 6 रुपए में दे रहे हैं, तो बोलते 1 रुपए सब्सिडी दी। अबे पहले ही 1 का 7 में बेचा, 7 का 6 किया, और बोलते कि सब्सिडी दे रहे हैं वगैरह वगैरह। तो सिर्फ गैस के धंधे में हमने अंदाज लगाया है कि अंबानी का नफा 2 लाख करोड़ रुपए होने वाला है। ये रघुरामन राजन बोलते हैं कि भारत के अरबपतियों की कमाई में सबसे मुख्य 3 साधन हैं, जमीन, नेचुरल रिसोर्सेज और सरकारी ठेके। ये प्रीडोमिनेंट सोर्सेज हैं हमारे देश के अरबपतियों की संपत्ति में, और ये तीनों सरकार से आते हैं। ये हमारे देश का आरबीआई गवर्नर बोल दिया, थोड़ा पी लिया होगा। कैसे बोला भगवान जाने, लेकिन बोल दिया। हाँ अभी तो अमेरिका गया, वहां से हाँ। नहीं, ये उसके पहले बोला है जब भारत में था, शायद इसीलिए। ये खुद बोलता है कि अरबपतियों की संपत्ति कहां से आ रही है, मुख्य संपत्ति कहां से आ रही है, प्रीडोमिनेंट सोर्सेस यानी मुख्य साधन कहां के हैं, ये सब तरीके। यानी सरकार से कमाई कर रहे हैं, यानी हमारे आपकी संपत्ति उनको ट्रांसफर हो रही है। तो इसके चलते भारत सरकार की जो कुल आमदनी है, टैक्स और नॉन टैक्स, पहले मैंने टैक्स का आंकड़ा दिया था ना, टैक्स टू जीडीपी रेशो और देशों की तुलना में कम कैसा है, अब ये कुल आमदनी है, आईएमएफ का आंकड़ा है। आईएमएफ कहता है कि भारत सरकार की कुल आमदनी टैक्स प्लस नॉन टैक्स 20.8% है, दुनिया का एवरेज है 30%, ब्राजील, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका सबका 30% के ऊपर है, और यूरोपियन यूनियन का है 40%। यानी भारत सरकार का वर्ल्ड एवरेज से भी कम है। तो भारत सरकार यदि वर्ल्ड के एवरेज पे भी ले आए, तो हमारी कुल आमदनी, बजट आउटले ही सिर्फ यदि ले लिया जाए, बजट आउटले सरकार की कुल आमदनी है ना, तो बजट आउटले जो 24 लाख करोड़ है वो 36 लाख करोड़ ही पहुंच जाएगा, 50% बढ़ गया। तो नॉन टैक्स ना, अभी सब बात की है ना। अरे भाई, जब सरकार किसी को कोल माइन देती है तो रॉयल्टी लेती है ना, तो वही सब नॉन टैक्स रिवेन्यू होता है ना। पब्लिक सेक्टर कंपनी प्राइवेटाइज करते हो तो सरकार की आमदनी जो होती है, तो इसको बोलते हैं नॉन टैक्स रिवेन्यू। तो एक होता है टैक्स रिवेन्यू, एक होता है नॉन टैक्स रिवेन्यू, उसको बोलते हैं टोटल रिवेन्यू यानी जनरल रिवेन्यू। अरे जनरल हुआ ना, नहीं तो नॉन टैक्स नहीं बोलेंगे, बोला क्या है जनरल रिवेन्यू। जनरल का मतलब है टैक्स और नॉन टैक्स। तो कुल सरकार की आमदनी, ये चाहे तो आसानी से वर्ल्ड एवरेज के पास भी लाना हो, हर चीज में हम दुनिया की बराबरी करना चाहते हैं, लेकिन यहां नहीं करना चाहते। बाकी दिन बोलेंगे ना, हम दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, उधर हो रहा है तो हम भी वैसे ही करेंगे, तो अभी यह भी तो कर लो। इसमें कोई आंकड़े नहीं देगा, चुप मारकर बैठेंगे। तो यही हमारा कहना था कि ये चाहे तो अपनी आमदनी कम से कम 12 लाख करोड़ तो आसानी से बढ़ा सकते हैं, वो कहीं नहीं गया। एक साल में 12 लाख करोड़, उससे क्या क्या कर सकते हैं देखिए। अब विषय पर आए, खेती पर। मैं फटाफट समेट देता हूं, आधे पे ही पहुंचे लेकिन बाकी मुद्दे। अब वित्त मंत्री के झूठों पर देखिए, खेती के बारे में बात करते हैं। खेती
खेती में उन्होंने इतनी योजनाएं घोषित की। बजट के दो हिस्से होते हैं, एक होता है भाषण और एक फिर अंत में आंकड़े होते हैं नीचे, नहीं वो टेबल होती है एक्सेल शीट में। तो एक्सेल शीट वो नहीं पढ़ता, भाषण बोलता है और एक्सेल शीट मानकर चलते हैं कि अब बाद में देख लेंगे। तो ये सब भाषण के मुद्दे हैं और ये एक्सेल शीट में है लाल वाला। तो इन्होंने भाषण दिया कि फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन के लिए सरकार 10,000 रुपये खर्च करने जा रही है, दो फंड बना रही है, एलोकेशन एक्चुअल है 47 करोड़। हाँ, फिर इन्होंने कहा कि हम मंडियों की क्वालिटी अपग्रेड करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, एक्चुअल एलोकेशन कितना है? जीरो है ही नहीं। फिर इन्होंने कहा कि ग्राउंड वाटर जिन राज्य जिन जिलों में 96 जिले हैं जहां पर की सिंचाई की व्यवस्था ढंग से विकसित नहीं हुई है, तो वहां पर ग्राउंड वाटर इरिगेशन विकसित करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, एक्चुअल एलोकेशन कितना है? 310 करोड़। फिर इन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़े उसके लिए हम बैम्बू बांस की खेती प्रोत्साहित करेंगे और उसके लिए नाम भी दिया रिस्ट्रक्चर्ड नेशनल बैम्बू मिशन और उसके लिए 1,300 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, बजट में सिर्फ 300 करोड़ रुपए दिया है। तो दो तीन झूठ पहले हो गए, चार और जोड़ लीजिए। लेकिन सबसे बड़ा झूठ यह था जो आज प्रधानमंत्री ने फिर हेडलाइन बनाया है कि किसानों को लागत मूल्य से 50% ज्यादा प्राइस देंगे। उसमें अब वित्त मंत्री ने संसद में बहस में यह स्वीकार लिया कि उन्होंने कॉस्ट का डेफिनेशन बदल दिया है। नहीं, ये सब भाषण की बात है, आंकड़े में यही आएगा 47, क्योंकि ये तो ये असली आंकड़ा है ना, ये तो भाषण है। ऐसा नहीं हाँक देते हैं, हाँकने में क्या है, कुछ भी बोल दो। तो 10 क्यों बोला पता नहीं, 20 भी बोल सकता था लेकिन 10 ही बोल। अब जैसे ये है, दे दिए भाषण कि हम किसानों को दाम देंगे 50% अबव कॉस्ट। बहस में जब फंसा संसद में तो उसने स्वीकारा कि उसने परिभाषा बदल दी है। परिभाषा बदलने का मतलब क्या हुआ कि तीन परिभाषाएं होती हैं दामों की, खेती के दाम की, जो उसने संदेशा ने ठीक रखा था लोकायत पे। मुद्दा क्या था, तीन परिभाषाएं क्या हैं? पहली परिभाषा है जिसको बोलते हैं A2। A2 का मतलब है किसान असल में अपनी जेब से जितना खर्चा करता है, यानी आपने मान लीजिए बीज खरीदे, खत खरीदी, तो वो सब जो आप खर्चा करेंगे वो हुआ A2 कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद वो अपने उसके परिवार के सदस्य काम करते हैं, वो फ्री में काम करते हैं, लेकिन असल में उसका भी तो खर्चा जुड़ना चाहिए ना लागत मूल्य में, तो उसको बोलते हैं FL। FL मतलब फैमिली लेबर। तो एक दाम हुआ A2, एक दाम हुआ A2 प्लस FL, और तीसरा दाम है किसान के पास ट्रैक्टर है मान लीजिए, तो उसने जो उसके पास जो कैपिटल एसेट्स हैं, उसकी जो जमीन है, उसकी भी तो वैल्यू होगी ना भाई। फैक्ट्री में आप जब दाम लगाते हो तो मशीन का डेप्रिसिएशन कॉस्ट नहीं जोड़ते हो कॉस्ट प्राइस में, तो जमीन का भी तो डेप्रिसिएशन जुड़ना चाहिए ना, तो वो सारा जुड़ जाए तो वो होता है C2, यानी A2 प्लस FL प्लस वो सब ब्याज रेंट वगैरह वो सब जोड़ दिया जाए तो उसका। तो बहुत सालों से हमने आपने कभी ये सुना ही नहीं ये सब शब्द, क्योंकि हर समय C2 की ही बात होती थी। स्वामीनाथन कमीशन वही बात कहता है, C2 की बात करता है, किसान आंदोलन C2 की बात करता है, तो सब मान के चल रहे थे कि सब एक दूसरे की बात समझ रहे हैं। ऐसे बेईमानों से पाला पड़ेगा किसी को नहीं मालूम था ना, तो सब मान के चल रहे थे कि C2 की ही बात हो रही है, और ऐसे में कोई C2 की बात करता ही नहीं था। तो जेटली ने क्या कहा कि नहीं नहीं हम C2 नहीं, हम तो A2 प्लस FL की बात कर रहे हैं।
और इतना ही नहीं, उसने फिर बोला कि हम तो पहले ही दे चुके हैं, तो किसान आंदोलन क्यों कर रहे थे भाई, बेवकूफ हैं क्या? नहीं समझे? किसान आंदोलन की मुख्य मांग क्या है कि एमएसपी दाम घोषित करो, एमएसपी दाम घोषित करो। तो यदि किसानों को पहले ही दे दिया है एमएसपी 50% अबव कॉस्ट प्राइस, किसान भी वही मांग कर रहे हैं ना, तो कॉस्ट प्राइस से ऊपर यानी लागत मूल्य से ऊपर 50% सरकार पहले ही दे चुकी है, तो किसान मांग क्यों करेंगे? पॉइंट समझ गए? तो किसान मांग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि असल में C2 के ऊपर 50% नहीं दिया है ना, A2 प्लस FL के ऊपर। तो आंकड़े देखिए, ये A2 प्लस FL का आंकड़ा है, ये C2 का आंकड़ा, देखिए कितना फर्क है, लगभग 400 रुपए का। एमएसपी जो सरकार ने घोषित किया, एमएसपी मतलब सरकार एक दाम घोषित करती है ना कि इस दाम पर हम खरीदेंगे या ये दाम किसानों को मिलना चाहिए, तो वो है 1735। तो इसकी तुलना की जाएगी तो 112% आएगा, और इसकी तुलना करोगे तो आएगा 38%। तो जेटली ठीक ही बोल रहा है ना कि A2 प्लस FL के हिसाब से वो कह रहा है कि हमने तो 50% से ज्यादा दे दिया। पॉइंट समझ गए? कौन सा 112 ना, अब बार्ली का देखो, ग्राम का देखो, ये सब देखिए, सिर्फ सैफ्लावर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी में ये 50% से ऊपर है, लेकिन ये सारे 50% से काफी नीचे है। हाँ, C2 के ऊपर। तो किसान ये मांग कर रहे हैं कि इसको 50% से ऊपर किया जाए, जेटली कह रहे कि अरे हमने तो दे दिया। और आज प्रधानमंत्री भाषण दे रहा है, उसने उसकी जो डेफिनेशन है दाम की, उससे समझ में आता है कि वो C2 की बात कर रहा है। जेटली संसद में बहस में, क्योंकि प्रधानमंत्री भाषण देता है तो कोई सवाल नहीं पूछता ना, वो सिक्योरिटी वाले इतने रहते हैं कि सवाल कहां से पूछे। तो उसने कोई भाषण दे दिया तो उसने कहा कि हमने तो सारे दाम शामिल करके 50% से ऊपर दिया है, सब लोग झूठ बोल रहे हैं विरोधी। अरे तुम्हारे आंकड़े बताते हैं कि नहीं हो रहा है, ये सरकारी आंकड़े हैं सारे के सारे। ये जो कॉस्ट प्राइस है ना, ये सरकारी कमीशन तय करता है, इसको बोलते हैं CACP, कॉस्ट एंड वो कमीशन ऑन कॉस्ट एंड प्राइस, ऐसे कुछ नाम है CAC। सब ऑफिशियल फिगर है, इतने झूठ बोलते हैं, सरेआम झूठ बोलते हैं, हेडलाइन में झूठ बोल दिया आज। क्या हुआ? क्या उसको बंद कर दिया? ठीक है, लेकिन सोचने का मुद्दा दूसरा है, वो ये है कि एमएसपी ये घोषित कर भी देते हैं तो किसानों को मिलेगा थोड़ी, क्योंकि सरकार सिर्फ गेहूं चावल एक हद तक डालें और कपास खरीदती है, और गन्ना उसके अलावा सरकार नहीं खरीदती, लेकिन दाम घोषित करती है, मिलों को वो देना पड़ता है। तो यानी सिर्फ इन्हीं चार फसलों पे किसानों को रेट मिलता है, बाकी पे तो सरकार ने घोषित कर दिया, व्यापारी की मर्जी है कि दे कि ना दे। ये वैसे नहीं, हम लोग, मैं मजाक में कई बार बोला हूं कि हम कोलगेट का दाम तय कर लें कि कल से 7 रुपए कोलगेट टूथपेस्ट मिलना चाहिए, प्रस्ताव सब सहमत हो जाएंगे ना। हाँ, लेकिन देगा तब ना, आप कागज लेकर जाओगे कि वो नीरज का भाषण था वहां पे हमने प्रस्ताव पारित कर दिया कि 7 रुपए में दो, तो दो मानेगा। तो एमएसपी का वही मामला है, सरकार ने घोषित कर दिया कि ये दाम है, अब व्यापारी की मर्जी है कि दे कि ना दे, तो क्यों देगा। तो इस एमएसपी का असल में कोई मतलब ही नहीं है, और इसके चलते सरकारी कमीशन कहता है कि 94% फार्मर्स को एमएसपी नहीं मिलता। तो एमएसपी मिल भी जाए, सारी बहस क्या हो रही है
कि एमएसपी 50% से ऊपर घोषित करो। मांग तो ये होनी चाहिए ना कि 50% से ऊपर घोषित कर भी दिया तो हमको मिलेगा थोड़ी जब तक कि सरकार खरीदारी नहीं करती। कम से कम एक हद तक खरीदारी करेगी तो व्यापारी भी मजबूर होंगे उस दाम पे खरीदने को। तो उसके लिए जेटली वायदा हर चीज में है। तो इस पर फिर जेटली वायदा करता है कि नहीं नहीं ये भी हम करेंगे और नीति आयोग ये काम करेगा और नीति आयोग एक सिस्टम लेकर आएगा कि किसानों को ये दाम मिले। मतलब क्या कि नीति आयोग कोई किसानों से खरीदारी का सिस्टम निकालेगा ना। एक ही तरीका हो सकता है ना कि सरकार खरीदे फिर झूठ बोला। खरीदारी का खर्चा बढ़ाने के बदले घटा दिया। एक दाल खरीदने का सिस्टम है उसको बोलते हैं मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। उसका एलोकेशन 950 करोड़ था 200 कर दिया है। एक और बजट है प्राइस स्टेबिलाइजेशन फंड। ये दालों के लिए बफर स्टॉक बनाया जाता है। इसका पिछले से पिछले साल था 7000 करोड़ रुपए आंकड़ा। पिछले साल 3500 करोड़, इस साल 1500 करोड़, एक चौथाई। 50% क्या 25% हो गया, 1/4 हो गया। तो नीति आयोग क्या करेगा, आरती निकालेगा क्या? अरे भाई नीति आयोग को पैसे दोगे तभी तो किसानों से खरीदेगा, पैसे दे ही नहीं रहे। उसके अलावा फूड सब्सिडी में गेहूं चावल खरीदा जाता है उसका मात्रा बढ़ाई है 1.69 किया। लेकिन ये इंक्रीज इतना कम है, हमने पहले क्या देखा कि 94% फार्मर्स को एमएसपी मिलता ही नहीं ना। गेहूं चावल भी सिर्फ 4 राज्यों में प्रोक्योर होता है मुख्यतः, पंजाब हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। बाकी राज्यों में लगभग सरकारी खरीदारी नहीं है, गेहूं चावल की भी नहीं है। तो यदि सरकार को देश भर में किसानों की फसल को ठीक ठाक खरीदना होगा तो 1.45 को ठीक ठाक बढ़ाना पड़ेगा, इतने से नहीं चलेगा। और ये सब घटा दिया है। यानी सरकार का कोई इंटेंशन नहीं है कि वो किसानों को एमएसपी मिले, वो सब हमको उल्लू बनाने के तरीके हैं। तो ऐसे में कम से कम इतना तो किए होते कि कर्ज माफ कर दिए होते। कर्ज क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि खेती घाटे में है। 70% किसान, ये हमने खेती के भाषण में बात की थी, 70% किसानों की आमदनी जो है वो उनके खर्चों से कम है। और इसके चलते सरकारी सर्वेक्षण बताता है कि किसान जो कर्जे में डूबे हुए हैं उनकी संख्या दुप्पट हो गई है पिछले 20 सालों में। और एक आंकड़ा नीचे कट गया है, औसत कर्जा जिन लोगों के ऊपर कर्जा है औसत कर्जा 1.5 लाख रुपए पहुंच चुका है। औसत कर्जा यानी जिनके ऊपर कर्जा ज्यादा है वो 1.5 से काफी ज्यादा होगा ना। तो जब खेती इतने भयंकर संकट में है तो किसान आंदोलन मांग कर रहा है कि किसानों के कर्जे माफी करो। सरकार का अंदाज है कि कुल मिलाकर यदि सारे देश भर के किसान 50 करोड़ किसान उससे लाभान्वित होंगे, 25 करोड़ किसान है सॉरी, 50 करोड़ लोग काम करते हैं, 25 करोड़ किसान है, तो 3 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। क्या सरकार के पास 3 लाख करोड़ नहीं है? कहां से? टैक्स माफी 5.5 लाख करोड़। लोन माफी का आंकड़ा है 20.20 से ज्यादा, इसलिए 20 प्लस लिखा है, 20 से ज्यादा तो आसानी से माफ कर सकते हैं ना। तो भारत सरकार का जो मुख्य आर्थिक सलाहकार है, यहां पे तो कोई पूछता नहीं, अमेरिका में किसी ने उसे पूछ लिया कि किसानों की लोन माफी क्यों नहीं करते जब इनका ये सब लोन माफी कर रहे हो, तो वो बोलता है दिस इज हाउ कैपिटलिज्म वर्क्स। ये उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट है, अखबार में आया। दूसरा तर्क देते हैं कि भाई कंपनियां रोजगार देंगी इसलिए उनको लोन माफी दी जा रही है। अरे किसान कंपनियों से ज्यादा तो खेती में रोजगार है ना। कंपनियों का रोजगार है सिर्फ 1.2 करोड़ और
किसान 25 करोड़ रोजगार देते हैं, खेती पे 25 करोड़ लोग जिंदा है, कंपनियों पे 1.2 करोड़ लोग जिंदा है। तो ये सब जो लोग देते हैं ना कि कंपनियां रोजगार देती हैं, जैसे कि किसान जो है वो बैठकर सिर्फ तारे देख रहे होते हैं। तो लोन माफी का तो एक शब्द जिक्र नहीं है, लेकिन जेटली ने यह जरूर वायदा किया कि हम किसानों को कर्ज ज्यादा उपलब्ध कराएंगे, जो पहले बेचारे कर्ज से डूबे हुए। और कर्ज का आंकड़ा बोला कि हम पिछले साल हमने 10 लाख करोड़ रुपए दिए थे, इस साल 11 लाख करोड़ रुपए देंगे, 1 लाख करोड़ बढ़ाएंगे। तो आप क्या सोचोगे कि बजट में होगा ना ये फिगर? बजट में नहीं है, ये भाषण है। यानी वो बैंकों को बोलेगा कि तुम दो, उसका बजट से कोई लेना देना नहीं है। बजट में एक ही आंकड़ा आता है कि सरकार किसानों को ब्याज में छूट के लिए जो खर्चा करेगी, यानी मार्केट रेट से कम पे किसानों को लोन मिलेगा, वो आंकड़ा है 15,000 करोड़, बस इतना ही। ये 11 लाख करोड़ सिर्फ कहने की बात है, असल आंकड़ा कितना है? 15,000 करोड़। लेकिन इसमें भी गोलमाल ये है कि खेती में जो बड़ी कंपनियां खेती कर रही हैं, जैसे रिलायंस फ्रेश, सरकार ने उनको भी देने वाला कर्जा उसको भी एग्रीकल्चरल लोन की कैटेगरी में डाल दिया है, तो ये सब्सिडी उनको भी मिलेगी, उन्हीं को ही मिलेगी। सोनी समझदार हो, वेरी गुड। अब देखिए कुल ये सारे, मैंने खेती में मैंने और भी आंकड़े दिए थे लेकिन वो समय के लिए उनको स्लाइड से हटा दिया। कुल मिलाकर सरकार खेती पर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर पर 46,000 करोड़ खर्चा करती है बस। लोन माफी कितनी थी? 20 लाख करोड़। टैक्स माफी कितनी थी? 5.5 लाख करोड़ एक साल का, और किसानों पर 50,000 करोड़ रुपए से कम। यानी जिस क्षेत्र पर 50% आबादी निर्भर है, उसको उस पर बजट का सिर्फ 1.9% खर्चा किया जा रहा है बस। उसके अलावा खेती के ही मंत्रालय के अंडर एक और डिपार्टमेंट आता है, पशुपालन और मछली पालन वगैरह, उसका खर्चा और भी कम है, 0.13%, जबकि आज पशुपालन और मछली पालन खेती का 25% कंट्रीब्यूट कर रहा है खेती के जीडीपी में, उसका महत्व इतना बढ़ गया है, 33% हो गया है, क्योंकि किसानों को रेट अच्छा मिलता है पशुपालन वगैरह में, तो सब भैंस वगैरह रखने के चक्कर में है, गाय रखने में आजकल डर लगने लगा है लोगों को। तो जो सेक्टर खेती का 1/3 कंट्रीब्यूट कर रहा है, कम से कम उसको खेती का 1/3 तो दो, कम से कम 11,000-12,000 करोड़ रुपए, उसके बदले दे रहे हैं 3,000 करोड़ रुपए। यानी कहने का मतलब ये कि सरकार चाहे तो खेती पर खर्चा बढ़ा सकती है, क्या नहीं बढ़ा सकती? देखिए एक आंकड़ा यहां दिया है, सिर्फ सड़क बनाने पर सरकार सालाना सब्सिडी देती है, ये मैंने आंकड़ा पहले नहीं दिया था इसलिए यहां डाला है। हाईवे बनाने पर बड़ी कंपनियों को सरकार इस साल 71,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने वाली है, और खेती पर खर्चा है 50,000 करोड़ रुपए से कम। यानी सड़क ज्यादा जरूरी है, खेती कम। वो भी सड़क कौन सी? हाईवे, जिसपे अमीरों की गाड़ियां दौड़ेंगी, आपकी बस्ती वाली सड़क नहीं। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब ये, नीचे का कट गया, कि यदि सरकार टैक्स अपनी कुल आमदनी दुनिया के एवरेज पे ले आए तो कितना पड़ेगा? 12 लाख करोड़। और 12 लाख करोड़ यदि ये बढ़ गया तो इसको कम से कम 5 गुना भी बढ़ा दिया तो 2.5 लाख करोड़ ही हुआ ना। तो खेती पर ये आसानी से 5 से 10 गुना खर्चा बढ़ा सकते हैं, जिसका मतलब होगा कि फिर युवाओं को अपना घर छोड़कर पूना में बस्तियों में रहकर नौकरी की तलाश करने नहीं आना पड़ेगा,
बल्कि लोग खेती में लौटेंगे कि चलो खेती सुधर रही है और बेरोजगारी का संकट कम हो जाएगा, आसानी से कर सकते हैं। ये मांग उठाई जानी चाहिए, ये कोई नहीं उठा रहा। और क्षेत्रों की बात करें, ये तो डायरेक्ट खेती का था, खेती से जुड़े और सेक्टर्स हैं, उनमें से एक है नरेगा। उस साल इस साल इन्होंने उसको 55,000 करोड़ रुपए दिए, जो कि पिछले साल की तुलना में 16% कम है। कहने को बराबर का है, लेकिन इसमें 6,000 करोड़ रुपए पिछले साल का बकाया है, जो सरकार इस साल के बजट से राज्य सरकार ने जो खर्चा कर दिया है वो चुकाएगी, तो ये इससे माइनस हो जाएगा ना एक्चुअल खर्चा इस साल का, फिर महंगाई जोड़ेगी, तो ये सब जोड़कर 65,000 होना चाहिए। एक्चुअल खर्चा है 16%, यानी उससे कम हो गया। और इसके चलते नरेगा में जो एम्प्लॉयमेंट पैदा हो रहा है, कानून है कि जिसको जिस भी परिवार को रोजगार चाहिए उसको कम से कम 100 दिन का रोजगार साल में मिलेगा। इस साल सिर्फ 43, पिछले साल सिर्फ 43 डेज लोगों को मिला है बस। यानी इसमें मिनिमम वेजेस से कम तनख्वाह दी जाती है। सिर्फ 365 में से 100 दिन रोजगार देने का कमिटमेंट है, वो भी परिवार को, प्रति व्यक्ति नहीं। ये उतना भी देने को तैयार नहीं है। कानून कागज पर रहेगा तो कहने को अच्छा है कि हमारी एक रोजगार गारंटी स्कीम है, कहने को अच्छा लगता है ना। एलोकेशन पैसे देना ही नहीं चाहते। ये अमाउंट कम से कम 80,000 करोड़ रुपए होना चाहिए, ऐसा अंदाज है एक्सपर्ट्स का। 25,000 करोड़ और दे सकते हैं, 25,000 करोड़ नहीं दे सकते क्या? आसानी से दे सकते, देना नहीं चाहते। ऐसे और इसका परिणाम यह है कि चाहे कितनी भी बकवास करें, 4 सालों में खेती का विकास दर 1.9% पर आ गया है। यूपीए के 10 सालों में वो 3.7% था, आधा हो गया है। खेती का संकट इतना गहरा हो गया है कि किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा, पहले साल का आंकड़ा, इन्होंने क्या किया, किसानों की आत्महत्याओं के आंकड़े में फेरे बदल कर दिया और ज्यादातर आत्महत्याओं को उससे बाहर निकाल दिया। तो नई परिभाषा में भी पहले साल में आत्महत्याओं का आंकड़ा डबल हो गया मोदी सरकार के रिजीम में, उसके बाद इन्होंने आंकड़े ही देना बंद कर दिया। ये हालत है, क्योंकि खेती का संकट देखिए कितना गहरा गया है। ये सब जो आते हैं ना कि हम पहले से, मैं कोई कांग्रेस का समर्थक नहीं, बात यह है कि इन्होंने खेती को एकदम भयंकर हालत में पहुंचा दिया है इन सारी नीतियों के चलते। क्यों? क्योंकि सरकारी कमीशन कहता है कि खेती में जो आबादी है उसको 57% से 38% पर लाना है 5 सालों में। यानी लगभग 50 करोड़ लोग जो आज खेती पर निर्भर हैं, उनमें से 20 करोड़ लोगों को खेती से बाहर करना है। क्यों बाहर करना है? एक दूसरी रिपोर्ट कहती है कि हमको कॉरपोरेट फार्मिंग प्रमोट करनी है। तो किसान आत्महत्या करेंगे, जमीनें बेचेंगे, कंपनियां खरीदेंगी, तभी तो कॉरपोरेट फार्मिंग शुरू होगी ना। तो कॉरपोरेट फार्मिंग करवानी है, इसीलिए खेती को निचोड़ा जा रहा है। तो एक तरफ बड़े बड़े भाषण हो रहे हैं, उधर असली मामला यह है कि खेती को तबाह करना है, ताकि किसान मजबूरी में खेती छोड़कर शहरों में जाएं और उनकी खेती कंपनियां लें। और आंकड़ा भी सरकार ने तय कर दिया है, 57% पॉपुलेशन कम करनी है। और मालूम ये कहां है ये आंकड़ा? नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल की रिपोर्ट में। क्यों? स्किल इंडिया में क्या करना है उसको? क्योंकि किसान जब
बेरोजगार होकर शहर में आएंगे तो उनको काम चाहिए होगा ना, तो उसके लिए उनको स्किल करना पड़ेगा ना, नहीं समझे? इसीलिए ये रिपोर्ट जो है ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल की रिपोर्ट में ये आंकड़ा है कि तैयारी करो, 20 करोड़ लोग आने वाले हैं, उनको तुमको स्किल्स की ट्रेनिंग देनी है, ये मामला है। ऐसे लोग हैं ये, इतने जन विरोधी और जनता के दुश्मन। ये भारत सरकार आजादी के बाद से लेकर अभी तक जितनी भी सरकारें आई हैं ये सबसे ज्यादा किसान विरोधी सरकार है। असल में ये 20 करोड़ का कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर अगर सिर्फ 1.5 करोड़ से भी कम रोजगार पैदा कर रहा है तो ये 20 करोड़ तो एक्चुअली स्किल लेके भी बेरोजगार ही होने वाला है। वो तो इम्प्लाइड है। आगे बढ़े, अब सामाजिक क्षेत्रों की बात करें संक्षेप में, 8:30 बज रहे हैं तो फटाफट 5 मिनट में निपटाते हैं। भारत का सामाजिक क्षेत्र का खर्चा वैसा ही दुनिया में सबसे कम है। अब देखिए अलग अलग स्लाइड की डेफिनेशंस कंपेरेबल नहीं है, लेकिन जिसको भारत सरकार अपना सामाजिक क्षेत्र का खर्चा बोलती है, भारत सरकार सिर्फ 7% करती है, दक्षिण अमरीका के देश 18% करते हैं और विकसित राष्ट्र 21-30% के बीच में करते हैं, यानी हमसे 4 गुना करते हैं। कम क्यों है? क्योंकि आमदनी कम है, पॉइंट समझ गए ना? क्योंकि टैक्स टू जीडीपी रेशो दुनिया में सबसे कम है, रिवेन्यूज दुनिया की एवरेज से आधे हैं, तो ये भी खर्चा कहां से करेंगे ना, जितनी आमदनी होगी उतना ही खर्चा करोगे ना। तो यहां पर हमने सारे मंत्रालय जिनका सामाजिक क्षेत्र से थोड़ा भी लेना देना, यानी वो पहले वाले डेफिनेशन से ये अलग डेफिनेशन है, ये मेरी अपनी डेफिनेशन है, तो वो सारा जोड़ जाड़ दिया जाए, ये सारे मंत्रालयों को 13 मंत्रालय जोड़ दिए जाए तो भी आंकड़ा 5 लाख करोड़ से कम आता है, और वो भी घटा है पिछले साल की तुलना में। सरकारी खर्चा बजट का पिछले साल वो 21% था, इस साल 20.8% हो गया है, जीडीपी की तुलना में भी कम हो गया है, यानी सोशल सेक्टर को कितना भी बढ़ा लो सरकार उस पर खर्चे कम करते चली जा रही है। अब एक्चुअल दो क्षेत्रों की बात करें, शिक्षा की, ये आंकड़े सब जानते ही हैं कि शिक्षा की हालत कितनी खराब है, जीतू पीछे बैठे हैं उनसे बाद में डिस्कस कर लीजिएगा, वो 40% बच्चे पढ़ाई पहले ही छोड़ देते हैं, जो बच्चे स्कूल में जा भी रहे हैं उनमें से ज़्यादातर को जो 5वीं से 8वीं में पहुंच गए उनको दूसरी क्लास के भी सवाल हल करना या लिखना पढ़ना नहीं आता है। क्यों? 1,10,000 टीचिंग पोस्ट सरकारी आंकड़े के हिसाब से खाली पड़ी हैं, भर्ती नहीं हो रही। आधे स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक टीचर एक ही कमरे में 3-4 क्लासों को एक साथ पढ़ा रहा है, यानी आपको मैं पर्यावरण पे भाषण दूं, आपको बजट दूं और पीछे वालों को बोलता हूं कि हाँ मैं आपसे ग्लोबल वार्मिंग पे बात करूंगा, तो ऐसी कोई बात हो सकती है क्या? लेकिन हमारे देश में ऐसी ही पढ़ाई होती है। तो जब इतनी खराब पढ़ाई होगी तो उसका नतीजा निश्चित ही है कि बच्चे पढ़ाई छोड़ेंगे। तो इतनी खराब पढ़ाई के बावजूद भारत सरकार ने पिछले 5 सालों में शिक्षा का बजट 33% कम किया है। यह 5वां बजट है जेटली का, यह पहले साल का आंकड़ा है, यह इस साल का आंकड़ा है, देखिए एब्सोल्यूट में भी कम है, और महंगाई जोड़ दी जाए तो रियल टर्म्स में 1/3 कम हो गया है। क्यों? कारण स्पष्ट है, स्कूल बंद करना चाहते हैं ताकि सारे लोग प्राइवेट स्कूलों में जाएं, और यही कारण है कि पिछले 2-3 सालों में 2 लाख सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं, 2 लाख। उच्च शिक्षा की हालत कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, आप जानते ही हैं,
ज़्यादातर लोगों के पहुंच के बाहर जा चुकी है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन होता चले जा रहा है। सरकारी स्कूल कॉलेजों में, सरकारी कॉलेजों में भी ग्रांट का मोती चली जा रही है, तो वो भी प्राइवेट कोर्सेज नहीं, उसको क्या बोलते हैं वो, नॉन अनएडेड कोर्सेज वगैरह शुरू कर रहे हैं और उसमें फीस ज़्यादा ले रहे हैं। तो उसके चलते अब तो हालत ये हो गई है कि कॉलेजों की सीटें खाली जाने लगी है, क्योंकि बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे। ये तब जब प्रति 100 बच्चों में सिर्फ 20 बच्चे भारत में उच्च शिक्षा ले रहे हैं, विकसित देशों में वो आंकड़ा 60 से 70 है। यानी युवा लोगों की, यानी इसमें 17 से 24 साल की जो उम्र के बच्चे हैं, उनमें से विकसित देशों में 60% बच्चे स्कूलों कॉलेजों में होते हैं, भारत में वो आंकड़ा 20% है। और तब भी अब स्कूल कॉलेज की सीट खाली जाने लगी है, मतलब ये आंकड़ा बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो यदि आपको वाकई अपने देश को शिक्षित करना है, ज्यादा बच्चों को कॉलेज पहुंचाने, तो तरीका क्या बनेगा कि कॉलेजों की फीस घटाओ, स्कॉलरशिप्स बढ़ाओ, ताकि ज्यादा बच्चे कॉलेजों में जाएं। ये ठीक उल्टा कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में भारत सरकार ने उच्च शिक्षा पर अपने बजट में 7% की कटौती की है। इस साल पिछले साल की तुलना में 0.4% बढ़ा है, यदि असल में घट गया ना महंगाई के चलते। इसमें से भी ज्यादातर बजट आईआईटीज और आईआईएम्स के लिए होता है, 1/3 से ज्यादा बजट सिर्फ आईआईटीज आईआईएम्स वगैरह के लिए है। यूजीसी जो सारे कॉलेजों को, 10,000 कॉलेजों को जो बजट देती है, उसका बजट 2015 में 9,000 करोड़ था, अब हो गया है उससे आधा, 4,700 करोड़ रुपए, आधा कर दिया है। और AICTE जो इंजीनियरिंग कॉलेजों को देती है बजट, उसका बजट देखिए 480 करोड़ ही है पिछले साल की तुलना में। तो सैकड़ों और हजारों कॉलेजों को जो संस्थाएं लोन देती हैं, ग्रांट देती हैं, सुविधाएं देती हैं, उनका बजट सरकार कम करती चली जा रही है। तो वैसे ही ओवरऑल बजट कम है, उस कुल बजट में से भी बड़ा हिस्सा IITs, IIMs और केंद्रीय विश्वविद्यालयों को दिया जा रहा है। UGC और AICTE को ये पैसा ही नहीं दे रहे, क्यों? ये सारे कॉलेज प्राइवेट कर रहे हैं। लेकिन इस साल एक और घोषणा हुई, वो घोषणा हुई कि हम 1,00,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे उच्च शिक्षण संस्थानों में। एक और झूठ, ये खर्च नहीं करेंगे, ये सिर्फ भाषण है। सरकार ने एक संस्था सेटअप की है, उसका नाम है हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग अथॉरिटी, जो उच्च शिक्षण संस्थानों को लोन देगी। तो ये आंकड़ा मालूम क्या है, ये संस्था इतना लोन बाजार से उठाएगी और वो कॉलेजों को लोन के रूप में देगी। तो ये आंकड़े का बजट से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ उसने कहा है कि वो संस्था ऐसा करेगी फिर आपको पैसा मिलेगा। बेवकूफ बनाने का धंधा नहीं है। और ये संस्था जो लोन देगी, उसका ब्याज का एक हिस्सा सरकार देगी, तो उसके लिए बजट में उन्होंने 2,700 करोड़ रुपए दिए हैं। तो एक्चुअल एलोकेशन है 2,700 करोड़, भाषण में क्या बोला, 1,00,000 करोड़। और ये भी लोन है, तो लोन होगा तो शिक्षा और महंगी होगी ना, क्योंकि लोन चुकाओगे कैसे, विद्यार्थियों से वसूलोगे, तो शिक्षा और महंगी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये कि भारत सरकार का इकोनॉमिक सर्वे मानता है कि सारे देश का, राज्य और केंद्र मिलाकर, GDP की तुलना में हमारा खर्चा कम हो गया है 3.1% से 2.7%, जबकि चुनाव में मोदी ने घोषणा की थी कि हम 6% करेंगे। तो 6% के बदले 3.1 था, वो भी कम हो गया है। क्या सरकार के पास, ये आंकड़ा देखिए, यानी कुल कितना डिफरेंस है, 3% ऑफ GDP।
3% ऑफ जीडीपी का मतलब हुआ लगभग 5.5 लाख करोड़, पूरी शिक्षा का सुधारने के लिए। हमने आंकड़ा क्या निकाला था, यदि इनकी आमदनी बढ़ाती है तो कितनी हो जाएगी, 12 लाख करोड़। नहीं, रिवेन्यूज बढ़ते हैं तो, याद है, भूल गए आंकड़े। तो 12 लाख करोड़ में से 2.5 लाख करोड़ खेती पे खर्च कर दे, 5.5 लाख करोड़ शिक्षा पे खर्च कर दे, तो भी 8 लाख करोड़ हुआ, 4 लाख करोड़ अभी भी बच गए। और वो सारे पैसे इकट्ठे खर्च करने की जरूरत नहीं है एक साल में, यानी ये चाहे तो पूरी शिक्षा की स्थिति वाकई सुधार सकते हैं और देश के सारे बच्चों को केंद्रीय विद्यालय स्तर की स्कूली शिक्षा की एकदम गारंटी कर सकते हैं, फ्री में केंद्रीय विद्यालय स्तर की शिक्षा। इतने पैसे सरकार इकट्ठा कर सकती है चाहे तो। लेकिन बजट कहां बढ़ा रहे हैं, स्किल इंडिया के लिए। उसका ये मंत्रालय शुरू किया 2014 में, पहले साल बजट था 950 करोड़ रुपए, इस साल बढ़ाकर कर दिया है 3,500 करोड़ रुपए, 3 गुना बढ़ गया है। तो इधर रोजगार मिलेंगे, हालांकि अब इधर भी नहीं मिल रहे, लेकिन सरकार इस पे खर्चा करने को तैयार है। अब आए आखिरी मुद्दा, इनका आखिरी बड़ा अनाउंसमेंट स्वास्थ्य में, कि दुनिया का हम सबसे बड़ा स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम लागू कर रहे हैं। उतना ही बड़ा झूठ, वो भी हर चीज झूठ। वो कार्यक्रम क्या था, उन्होंने कहा, उसका मतलब ये नहीं कि आपको हेल्थ केयर मिलेगा, उसका मतलब है आपको इंश्योरेंस मिलेगा, कब, जब अस्पताल में भर्ती होगी। तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि हम 5 लाख रुपए प्रति परिवार को उपलब्ध कराएंगे, 10 करोड़ गरीब लोगों को। लेकिन उसके लिए सरकार ने सिर्फ 2,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है, जबकि मिनिमम 10,000 करोड़ रुपए होना चाहिए यदि ये प्रीमियम भरना हो। इतना प्रीमियम भरना पड़ता है ना, तो सरकार कह रही कि हम प्रीमियम भरेंगे, तो इतना प्रीमियम, इतने इंश्योरेंस के लिए, इतने परिवारों के लिए मिनिमम प्रीमियम 10,000 करोड़ रुपया होता है, इन्होंने सैंक्शन कितना किया है, यानी ये आंकड़े के मामले में असलियत क्या है, भाषण है देना नहीं, ये भी नहीं देना है, बाकी तो छोड़ो। लेकिन इससे भी मजेदार बात, ये नई घोषणा नहीं है, 2 साल पहले ठीक यही घोषणा की थी, फर्क इतना ही था कि ये 5 लाख रुपए इस बार घोषित किया है। उसमें उन्होंने कहा था कि हम हर परिवार को 1 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस देंगे। मालूम क्या, ये भाषण प्रधानमंत्री ने वो लाल किले से भी दिया, लेकिन 1.5 साल बीत गया, अभी तक वो प्रस्ताव कैबिनेट के पास है, मंजूर नहीं हुआ है, तो सैंक्शन ही नहीं हुआ, वो भाषण ही रह गया। तो इसका क्या होगा पता, पूछना मत मेरे से। जब 1 लाख नहीं दे पाए तो ये कहां से देंगे, भगवान जाने। ठीक है, तो ऐसे देश में जिसमें स्वास्थ्य व्यवस्था दुनिया की सबसे खराब अर्थव्यवस्थाओं में से है, क्योंकि भारत का स्वास्थ्य पे खर्चा 175 देशों में से 171 पर है, इतना कम। अफ्रीका के और हमारे बाजू के देशों से भी हम कम खर्चा करते हैं स्वास्थ्य पे, क्योंकि स्वास्थ्य सुधारने का एक ही तरीका है ना, अस्पतालों पे, सरकारी अस्पतालों पे खर्चा बढ़ाओ, क्योंकि गरीब आदमी प्राइवेट में नहीं जा सकता, तो गरीब आदमी को इलाज कराना हो तो सरकारी सुविधा सुधारने के अलावा कोई तरीका नहीं, ये एकदम स्थापित तथ्य है दुनिया में, किसी को भी समझाया जा सकता है। तो जिस देश में इतने लोग, लाखों लोग अलग अलग बीमारियों से मरते हो, कि हर बीमारी में हम नंबर एक हैं और सुपर पावर है, उसमें यहां पर भी हम सुपर पावर है नीचे से, तो उस देश में उसके चलते सारे सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, CHC सबकी हालत खराब है। ये सरकारी आंकड़ा है कि इतने सेंटर्स में सुविधाएं नहीं है,
सरकारी आंकड़ा है कि 21% पीएचसी में डॉक्टर ही नहीं है, जिसके चलते कि सरकारी आंकड़ा है कि 6 करोड़ लोग हर साल इलाज के खर्चों के चलते गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं, 6 करोड़ लोग। ऐसे देश में सरकारी स्वास्थ्य पर खर्चा इस साल 2.5% बढ़ाया है, यानी महंगाई की तुलना में कम, यानी असल में बजट कम हो गया। और ये जो थोड़ा बड़ा है ना, ये भी इंश्योरेंस का जो बजट 2000 करोड़ रुपए का वो है, यदि वो 2000 करोड़ रुपए माइनस कर दो तो ये इससे कम हो जाता है। केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है, जो 4 साल पहले आश्वासन दिया था, कि हम कम से कम जीडीपी का 1% तो कर ही देंगे। जीडीपी का 1% होता है 1.9 लाख करोड़। एक्चुअल खर्चा कितना कर रहे हैं? 54,000 करोड़। क्या ये नहीं दे सकते? 5.5 लाख करोड़ की टैक्स माफी, 20 लाख करोड़ की लोन माफी, वगैरह वगैरह वगैरह। 12 लाख करोड़ आ जाएगा यदि 30% पे अपनी आमदनी ले आए। इनके पास पैसे हैं, न पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं क्योंकि अमीरों को टैक्स माफी देना चाहते हैं, और उधर खर्चे नहीं कर रहे तो लोग मर रहे। अब आखिर में महिलाओं के बजट पर, महिलाओं का बजट 5 सालों में 5.6% बढ़ा है, यानी एक्चुअली महंगाई की तुलना की जाए तो गिरा है। महंगाई 8% मानी जाती है ऑन दी एवरेज। महिलाओं के बजट के 2 हिस्से हैं, मैं मोटा मोटी बातें बता रहा हूं, बारीकी का भी बाद में बात करेंगे। महिलाओं के बजट के 2 हिस्से हैं, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए वो हिस्सा है जिसमें 100% एलोकेशन महिलाओं के लिए है, पार्ट बी वो हिस्सा है जिसमें 30% एलोकेशन महिलाओं के लिए है। ठीक है, तो पार्ट ए कुल बजट का 24% है, पार्ट बी कुल बजट का 76% है। अब मजेदार बात क्या है, पार्ट ए का जो एलोकेशन है इस साल, उसका 72% घर बनाने के लिए है, जिसका महिलाओं से कोई लेना देना नहीं है। नहीं समझे? ये किसके लिए है? वो योजनाएं जो सीधे महिलाओं के लिए हो। तो घर बनाना जनरल एलोकेशन हुआ ना, तो यानी पार्ट ए जो महिलाओं के लिए है वो वैसे भी कुल बजट का 24% है, उसका भी 3/4 का महिलाओं से कोई संबंध नहीं है। नहीं समझे? समझे? अब कौन पूछेगा? जैसे पहले वाले कौन पूछेगा? पहले काम पूछेगा कि तुमने 1 लाख करोड़ रुपए उच्च शिक्षा के लिए देने को कहा था, कहा है? अभी वो तो भाषण था, जो एक्चुअल दिया है वो लोन के रूप में 2,700 करोड़ रुपए दिया है ना? यानी क्या है जुमला? दूसरा जो पार्ट भी है, जो 76% एलोकेशन है, उसका मालूम क्या मामला है? वो मंत्रालय बोल देते हैं कि इतना हम महिलाओं पे खर्चा कर रहे हैं, उनको बताना नहीं होता कि कैसे खर्चा किया, क्यों खर्चा किया, कितनी महिलाओं को फायदा हुआ, वो जो बोलते हैं सरकार मान लेती है। यानी असल में उसका महिलाओं से कोई संबंध नहीं। तो उसमें आंकड़े कैलकुलेट किए थे, जैसे वो उच्च शिक्षा में उन्होंने कह दिया कि 30% महिलाओं के लिए है। 30% महिलाओं के लिए का मतलब कब बोलना चाहिए? जब आप बोलो कि महिलाओं की शिक्षा के लिए हमने इतनी स्कॉलरशिप दी, तो वो महिलाओं का हुआ ना। पूरा एलोकेशन तो सबके लिए है, महिलाओं को टारगेट करके कहा है, लेकिन मंत्रालय बोल देते इतना हमने दिया सरकार मान लेती है, यानी ये आंकड़ा भी पूरा फर्जी है। तो असल में 3/4 जेंडर बजट, यानी ये 75% और इसका भी 75% का महिलाओं से कोई लेना देना नहीं। असल जेंडर बजट इधर है, एक सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड है जो महिलाओं के लिए कई कार्यक्रम चलाता है, उसका एलोकेशन है 71 करोड़।
राष्ट्रीय महिला कोष जो महिलाओं को लोन देगा उसका एलोकेशन है 0.01 करोड़, 1 लाख। पता नहीं क्यों दिया ये एलोकेशन, इतना तो इनके छापने में खर्च हो जाए। विमेन्स हेल्पलाइन, महिलाओं को संकट में मदद किया जाए, एलोकेशन 29 करोड़। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बढ़ाकर 280 करोड़ किया है, पिछले साल 200 करोड़ दिया था वो भी खर्चा नहीं किया, इस साल कितना खर्च करेंगे पता नहीं। एक नेशनल कमीशन फॉर वेमेन है जो इंक्वायरी करती है महिलाओं के मुद्दों पर, उसको मिला है रॉयल 24 करोड़। आयोगस नहीं है तो एकमात्र जो दो बड़े खर्चे हैं, एक है मेटर्निटी बेनिफिट प्रोग्राम जो प्रेग्नेंट महिलाओं को दिया जाएगा, उसका एलोकेशन है 2400 करोड़। अब ये असल में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत है, जो कानून बनाया ना कि हर प्रेग्नेंट महिला को 6000 रुपए मिलने चाहिए, तो असल में यदि पूरे देश की सारी प्रेग्नेंट महिलाओं को 6000 करोड़ रुपए मिले तो सरकारी एलोकेशन 9700 करोड़ रुपए का होना चाहिए। पिछले साल इन्होंने 2700 करोड़ रुपए दिया, इस साल उसको भी कम करके 2400 करोड़ कर दिया है, यानी ये देश की सारी प्रेग्नेंट महिलाओं को देना ही नहीं चाहते। कुछ पूछ रहे? हाँ, जो पिछले साल में पैसा खर्चा नहीं किया वो पैसा जाता कहाँ? वो कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, कुल बजट होता है ना तो कहीं बढ़ा देते हैं कहीं घटा देते हैं, मेरा गेस वो है। ये पूछते बोलते तो है नहीं कि हमने नहीं किया। एक उज्ज्वला स्कीम घोषित की है, आजकल इसका बड़ा हल्ला मच रहा है ना गैस फ्री में, तो मैं आज पढ़ाई क्या की यार इसमें भी कुछ घोटाला तो होगा ही, क्योंकि ये कोई भी चीज़ सही नहीं कर सकते तो ये कहाँ से करेंगे। तो इसका भी मालूम क्या पता चला, इसमें सब्सिडी क्या मिलती है बड़े मज़ेदार है। आपने मान लीजिए राजश्री ने गैस ली तो सब्सिडी क्या मिलेगी कि गैस कनेक्शन का जो शुरू में पैसा देना होता है वो नहीं देना पड़ता, लेकिन गैस का चूल्हा और पहले सिलेंडर के लिए जो पेमेंट होता है वो आपको फ्री में मिल जाएगा। लेकिन फ्री में नहीं मिलेगा, वो असल में गैस की कंपनी इंडियन ऑयल वगैरह वो आपको लोन के रूप में देंगी। तो आप पहले सिलेंडर के बाद जो दूसरा तीसरा चौथा सिलेंडर खरीदेंगी उसमें जो सरकार सब्सिडी देती है उस सब्सिडी से वो एडजस्ट होगा। आपको सब्सिडी नहीं, हाँ तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी और आपको मार्केट रेट पर सिलेंडर खरीदना पड़ेगा। तो लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि पहला सिलेंडर फ्री में मिला ना जिसका पेमेंट दूसरे तीसरे चौथे पांचवें सिलेंडर में होगा, और 6 सिलेंडर के बाद फिर आपको जो आज गैस का कीमत 650 रुपये है उसका फिर एक्चुअल कुछ 500 रुपये है, तो फिर आपको 500 रुपये देना पड़ेगा, तब तक 6 सिलेंडर के लिए 650 देना पड़ेगा। पॉइंट समझ गए? क्योंकि ये वो गैस का स्टोव जो आपको फ्री में दिया है और पहला गैस का सिलेंडर जो फ्री में दिया है वो आने वाले 5 सिलेंडर से काटा जाएगा। तो लोग क्या कर रहे हैं, पहला सिलेंडर लेते हैं क्योंकि कोई पेमेंट नहीं करना होता, चूल्हा लेते हैं फ्री में, 1.5 महीना वो गैस चलती है या 2 महीने चलती है, जब गैस खत्म हो जाती है तो गैस कंपनी को बोलते हैं कि जो करना है कर दो हमको और तो अखबार में ना गैस कंपनियों के मालिकों के जो गैस एजेंसीज है उनके इंटरव्यू आए कि अरे हम तो डूब गए क्योंकि हमने लोगों को गैस दिया और वो नया रिफिल लेने को ही तैयार। तो मामला क्या है, अरे भाई सब्सिडी कहाँ देनी चाहिए, गैस सस्ती करो तब ना, वो गैस सब्सिडी गैस सस्ती करने ही नहीं चाहते, वो गैस का दाम बढ़ता चले जा रहे हैं तो लोग कहाँ से अफोर्ड करेंगे। अच्छा, दलितों के मुद्दे पर सारा मामला गोलमाल इसलिए है क्योंकि इन्होंने दलितों के लिए जो स्पेशल प्लान था कि कुछ योजनाएं दलितों को टारगेट करके बनाई जाएंगी, सरकार ने वो प्लान ही स्क्रैप कर दिया, यानी महिलाओं के लिए टारगेट करके जो योजनाएं दलितों के लिए और आदिवासियों के लिए जो टारगेट करके योजनाएं बनाई जाएंगी सरकार ने वो प्लान ही स्क्रैप कर दिया। और अब मंत्रालयों को बोला है, वही जैसे जेंडर बजट में किया है,
कि आप अंदाजे से बता दो कि दलितों के लिए कौन कौन सी स्कीम है, उसको ये जोड़ देते हैं। यानी इसका दलितों से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ कागज पर रह गया है। लेकिन जो कागज पर भी रह गया है, मैं उसका कैलकुलेशन नहीं समझा रहा, वो भी 2000 यानी पिछले साल से ये शुरू किया है गोलमाल, तो 2016 की तुलना में दलितों की स्कीम से 56,000 करोड़ रुपीस कम है और आदिवासियों की स्कीम से 20,000 करोड़ रुपए कम है। इसमें भी कटौती कर दी, लेकिन ये सब आंकड़ों का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये दलितों के लिए टारगेटेड स्कीम्स है ही नहीं, वो पूरी प्लान ही स्क्रैप कर दिया। तो अंत में इन सब का नतीजा ये हुआ कि अरबपतियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। इस साल 121 अरबपति हो गए, पिछले साल 102 थे, सिर्फ एक साल में 20% संख्या बढ़ गई। अच्छा है ना, देश प्रगति कर रहा है, बहुत तेजी से विकास हो रहा है। ऊपर के पिछले साल जितनी आमदनी देश में हुई उसका 73% सिर्फ 1% लोगों की जेब में गया है और बॉटम 50% के पास 1% क्या है, उल्टा हो। इस 1% के पास 73%, बॉटम 50% के पास 1%। और उसके चलते ये पिछले साल का आंकड़ा है, ऊपर की 1% आबादी के पास कुल संपत्ति का लगभग 60% हो चुका है। ये फर्क समझ गए ना, ये पिछले साल देश में जितनी संपत्ति का निर्माण हुआ ये वो आंकड़ा है और ये कुल संपत्ति देश में जो है उसका आंकड़ा है। ठीक है, बात समझ। यानी पिछले साल यानी देश में 100 रुपए हैं और आमदनी हुई 10 रुपए, तो अब संपत्ति कितनी हो गई, 110। तो 10 का 73% 1% लोगों के पास गया और वो जो 110 है उसका 58% ऊपर के 1% लोगों के पास है। और उधर गरीबी, महंगाई, भूखमरी, हर एक में हम नंबर एक हैं। भूखमरी में 119 देशों में भारत के नंबर 100 हैं। 38% बच्चे, अभी का आंकड़ा एक साल पहले का, कुपोषण का शिकार है। बीमारियों में देश नंबर एक है, अशिक्षा में देश नंबर एक है, 3.5 लाख किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। ये देश की असलियत है। हम चाहें तो ये सारी परिस्थिति बदली जा सकती है। गरीबी, बेरोजगारी, इलाज, सारी व्यवस्था बदली जा सकती है यदि सरकार चाहे तो, लेकिन वो जुमलेबाजी करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, असलियत में काम करने पर नहीं। धन्यवाद। और इसीलिए ताकि हमारा ध्यान इन सब मुद्दों पर न जाए, इसीलिए हमको धर्म और जाति पर लड़ा दे रहे हैं। मुसोलिनी कहता है फासिज्म इज कॉर्पोरेटिज्म, देश बड़ी कंपनियों के लिए चले, यही असली में फासीवाद है। तो हम गाय के मुद्दे पर लड़ते रहे, वो देश की सारी संपत्ति अपनी जेब में डालते चले जाए। थैंक यू। ठीक है, तो सवाल